थके थके लग रहे हैं थोड़े से नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अलहमद सब सही चल रही है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए आप माशाल्लाह आज बहुत चमक रहे हैं क्या बात है चले, ये तो राज हम बाद में बताएंगे चले आ, हमारे जो मेरे उल्टे जानेब जो लोग बैठे हैं हजरत बैठे हैं शेख शेखैब शाह माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम शेख सलाकुम सलाम आप सुनाए कैसे मिजाज है सब खैरियत है माशाल्लाह महफिल में रौनक आ जाती है आपके आने से सुभान अल्लाह अल्लाह आपके गुमान के मुताबिक बना दे मेरे मेरेगा सबके बुमान के मुताबिक जी तो आज हम सबकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए और कमेंट्स को देखते हुए और लोगों के जो है मैसेजेस और इनबॉक्स को देखते हुए हमने आज फैसला किया है और आप लोगों को टॉपिक पता ही है कि जिंदगी में मुख्तलिफ महल के अंदर सिचुएशन के अंदर इंसान ऐसे जो है वो रस्ते पर पहुँचता है जहाँ पर उसने डिसीजन लेना होता है फैसला करना होता है कि वो ये काम करे या ना करे वो ये स्टेप आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए वो ये डिग्री परसू करे या ना करे ये रिश्ता जो है वो किसी और से जोड़े या ना जोड़े या फिर जो है ये बिज़नेस स्टार्ट करे ना करे ये दुकान खरीदे ना खरीदे ये घर खरीदे ना खरीदे तो यहाँ पर एक माशरे के अंदर एक बड़ा अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट है कि भाई इस्तारा कर तुमने इस्तारा किया तुम्हारा इस्तारा क्या आया या तुम्हारे इस्तारे में क्या आया या फिर तुमने इस्तारा करवाया तुमने इस्तारा किससे निकलवाया तो आज इन सब निकलवाने में और करने में और करवाने में इनशाला हम इसखारे के हवाले से पूरी इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से बात करेंगे और इनशाला उस्ताद खुबैब और उस्ताद अरसलान आज भरपूर जो है वो कॉन्टेंट जो है आप लोगों के साथ में पेश करेंगे और मैंने आज तैयार किया है मैं आज थोड़ा कम बोलूंगा नहीं नहीं ऐसा ऐसा पता नहीं फिर आप लोग बोलते नाराज भी होते हैं यहाँ पे जो है ना हम लोगों का वोट ले लेते हैं वो तो यही कहते हैं कि अदील भाई बोलते रहे वो तो ठीक है और वही होगा असल में लोगों, लोगों को आपका लोगों को आपका बोलना ज्यादा पसंद है असल में लोग आपको चाहते हैं आपसे मोहब्बत करते हैं नहीं ऐसी जो खती, है वो लाउड स्पीकर आप लोग जुम्मे देने वाले हैं आपने माशाल्लाह नहीं, जुम्मा नहीं, पढ़ाना शुरू कर दिया बहुत लोग कॉल करते हैं कि जी अदिल साहब का जुम्मा रखवाए मुझे ये बताए जी सबसे पहले आवाम है, है हमारे साथ हाँ अभी लाइव सबको कोई आवाज आ रही है सारी चीज़ें क्लियर है मुज़ैफा भाई भी हमारे साथ हैं हमेशा की तरह और मुजैफा भाई अलग नहीं हो सकते पॉडकास्ट से और इसी तरह आज पास हमारे पास नए गेस्ट हैं हमारे माशा है मिस्टर अबाब अली अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तन को जो सेहत दे माशा से कोविड से जो है वो सेहत याब होकर जो है पॉसिबल कोविड से जो है सेहतियाब होके आए हैं और माशाला से कहा भाई हमारे साथ हैं और तहा भाई खैरियत से हैं चलें मुझे ये बताएं सबसे पहला सवाल आप दोनों के सामने जो आ रहा है आज हमने बड़ा ना डिफरेंट स्टाइल लिया पॉडकास्ट का रोज इस्तारा क्या होता है उस पर सब बात करेंगे सबसे पहला सवाल ये माशाल्लाह से आप दोनों निकाँह याफ्ता है दोनों ने माशाल्लाह से शादी शुदा है नहीं आप भी शादी शुदा हैं मैं, मैं भी माशाल्लाह से ये बताएं आप लोगों ने इस्तारा निकलवाया था शादी से पहले

हर, सवाल नहीं, नहीं किया अभी भी। आप बताए आपने गया थाने इस्तारा किया था बिल्कुल जी इस्तारा किया था तो क्या इस्तखारे में आपको महसूस ये मैं नहीं बता सकते पे चले प्राइवेसी है जी प्राइवेट मैटर है तो मुझे भी जरूरत नहीं है ज्यादा कुरेदने की लेकिन मैं जस्ट खाली बताने की मैं बता देता हूँ इस्तारा बिल्कुल किया था और कुछ ऐसी चीजें थी कुछ ऐसे मामला थे जो बहुत पॉजिटिव थे अच्छा अलहमद ला यानी कि एक आ, जब बंदा डिसीजन ले रहा होता है जाहिर सी बात है उसके अंदर एक स्परिचुअल फैक्टर चाहिए होता है अल्लाह को माइनस करके कैसे इंसान फैसला ले सकते हैं अल्लाह और... को माइनस करके इंसान कैसे फैसला कर सकता है इसी पे हम आज पॉडकास्ट की इब्तदा करेंगे कि जब हम जिंदगी में फैसले लेने जाते हैं चाहे कोई भी फैसला हो अगर अल्लाह को माइनस करके आप फैसला करना चाहते हैं तो सोच ले कितनी कितना मुश्किल सफर होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल कि कल को कुछ भी हो अल्लाह नहीं है फिर अल्लाह नहीं है किसको ब्लेम तो करके कि अल्लाह को साथ नहीं लिया ना कि अल्लाह ये फैसला ना जा रहा हूँ तू देख ले मेरे लिए बेहतर है तो दे दे नहीं है तो तू कर बाद में इंसान को तो हर चीज बेहतर लग रही होती है तो मुझे ये बताएं कि इस्तारे के लगवी मायने इस्तखारा होता क्या है इसकी शरी हैसियत क्या है यह टर्म जो है इस्तारा उसताजै इसखारा ये किस भी इस्तेमाल होता है असल में इसखारे का जो मतलब है वो ये है कि आप जो है खैर तलब करें और ये इस जो है ये इस्तीफ़ाल से है बाब इसफ़ाल से यानी इसतानसार इसतानसार का मतलब मदद तलब करना तो इसखारा भी उसी से है कि आप जो है वो मशवरा तलब कर रहे हैं आप खैर तलब कर रहे हैं अब किससे तलब करना है वो शरीयत हमें बताती है कि आपने ऑनलाइन करवाना है या ऑन साइट जाके करना है इस इस, इस, इस्तारा हो जाए खैर तो तलब करना, इस, इस, तलब करना। इस मदद तलब करना ये तो आप रूट वर्ड बात कर रहे हैं ना बा इस्तेफाल के लेकिन द पॉइंट इस जो आप कह रहे हैं इस्तारा खैर तलब करना क्या अगर मैं इस्तारा ना करूँ किसी मामले में खैर तलब ना करूँ तो क्या मुझे खैर नहीं मिलेगी खैर बिल्कुल मिल जाएगी लेकिन वो उस खैर से खाली होगी कि जो खैर आपको इस्तारा करने के बाद हासिल होती है यानी कोई ये बोनस है ये बारा बोनस, बोनस, बोनस है आप बिल्कुल कह सकते हैं और हो सकता है कि इस्तारा ना करने की वजह से मुझे कोई नुकसान हो जाए पॉसिबिलिटी है बिल्कुल यानी फ़ायदा तो होगा ही होगा इंशाल्लाह लेकिन इस्तारा अगर नहीं करेंगे तो नुकसान से कोई इंश्योरेंस नहीं है आपकी हो सकता है कि आप एक अच्छा अमल करने जा रहे हो लेकिन उसमें आपको नुकसान हो जाए और नुकसान की भी देखें कैफियतें हैं ना? कि एक नुकसान है दुनिया में नुकसान और आखिरत में फायदा एक नुकसान है दुनिया में नुकसान और आखिरत में भी नुकसान बिल्कुल ऐसी है और एक है दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा रब बना आतना फिर, फिर दुनिया आखिरत तो जो हम जो इंसान के फैसलों के अंदर उसकी जिंदगी की तामीर के अंदर जो इंसान का पिनिकल है एक्चुअल वर्जन है जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है वो ये है रब्बा ना आती ना फिर दुनिया हंसा ना वो फिर आखिरतर मुझे दुनियावी मामलाये और आखिरत में भी खैर मिल जाए दुनिया में भी अच्छी सवारी मिल जाए आखिरत में भी अच्छी सवारी मिल जाए दुनिया में भी अच्छा घर मिल जाए आखिरत में भी अच्छा घर मिल जाए और दुनिया में भी अच्छी बीवी मिल जाए आखिरत में भी मिल जाए इनशाला वही मिल जाए चले बहरहान ये बहराना कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा अगर मैं इस पर डेप में जाऊँगा नहीं नहीं बहरहाल बहरहाल वैसे एक दुआ भी है जनाजे के अंदर जो आप मास्टर पढ़ाते हैं काफी आपने भी पढ़ाई थी मुझे याद है चले अच्छा जी तो ये इंसान चाहता है कि दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर भलाई थे तो जब इंसान एक चीज पे अमल करने जा रहा होता है या फैसला करने जा रहा होता है अगर उसका माइंड ही इतना इतना श्रिंग्ड है या इतना नैरो है कि उसका स्कोप ही इतना वाइड नहीं है और वो खाली दुनिया सोच रहा है तो आखिरत होगी नहीं उसके नजदीक और एक बंदा सिर्फ आखिरत सोच रहा है और दुनिया नहीं सोच रहा हो सकता है वो भी दुनिया की लात अनसा नसीबा का दुनिया मैं भाई दुनिया में अपना हिस्सा मत भूल जाना दुनिया में भी, 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 भी अल्लाह ताला तुम्हारा भी 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 भी। रखा है तुम्हारा नसीब रखा है तो इसतखारा जो है अल्लाह ताला से तैर तलब करना है सही उस्ताद अरसलान मेरा सवाल आपसे ये है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से लोगों की रहनुमाई करें उसके अंदर इसतखारे का जो मसनून तरीका है या मतलब कि क्या इसतारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आ, हयात है हयात तय्यबा है जो सीरत है और सहाबा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर इस्तारे की क्या अहमियत थी एक अदील भाई इसमें मैंने अभी जो एक हदीस पढ़ी और बहुत ज़बरदस्त हदीस लगी उसमें एक बहुत एक यूनिक पॉइंट था उसमें यह था कि साहबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सें इसखारे की तालीम ऐसे दिया करते थे जैसे वो क़ुरान सिखाया था जितना इम्फिस वो कुरान सिखाने में कर रहे हैं इतना ज़्यादा वो इसखारे में करते थे यानी कि एक आदमी अगर अपनी डेली बेसिस की लाइफ देखता है एक डेली रूटीन देखता है उसके अंदर वो पता नहीं कितने डिसीजनस लेता है वो कहीं बाहर जा रहा है या कुछ काम कर रहा है या दुनिया जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है तो इसखारा इज़ द मेजर पॉइंट जहाँ एक देखे ना जब इंसान फैसला करता है वो वो ब्लाइंडली जाता है एक ना एक उसको रिस्क कहीं ना कहीं रिस्क तो होता है ना उसको नहीं पता मैं घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा उसको नहीं पता मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा नहीं तो मिलेगा कराची वालों की बात कर रहे हैं पता नहीं 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 घर ये तो सबके साथ बारिश हो रही है भाई इस, कुछ भी हो सकता है कराची वाले क्यों आप कराची वाले क्यों कह रहे हैं ये खौफ तो हमने देखा भाई नहीं घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच कराची वालों में ज्यादा हदीस की बात की ना मुझे अपना वक्त आ गया तालब इलमी का पहले साल जब गया था तो शेख साहब ने दुआ याद कराई थी और मुझे समझ आ रहा शेख साहब की रिवायत क्यों याद करा रहे हैं अरबी लेकिन वो आज देखेगा किस तरह काम आएगी तो जो जो सफा के स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर पॉडकास्ट सुनते हैं तो मैं इनको बता रहा हूँ कि जी इल्म ज़ाया नहीं जाता तो वो इस तरह हमें याद कराई थी अनजाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अल इस्तिखारा फी उमूरी कुल्लिहा कमा पुरान। पुरान। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह आपसे हमें हम मतलब भाई ने कहा मैं भी हका हूँ भाई मुझे पता है मुझे उसबैब के ये जो इस्ते है ये खाली शादी ब्याह के साथ खास है क्योंकि असनान ने बात की है कि अमूरी कुल्ली हम तो जो रिवायत पेश की है कि आपसे हर काम के अंदर इस्तारा सिखाते थे और जिस तरह सूरज सिखाते थे फिर उमूरी कुल रिहा ये हमने जो है वो हमने है शादी ब्याह के अंदर ज़्यादा खास है भाई रिश्ते के अंदर जो है ना आपने इसतखारा करना है ये खास किसान किन नामाल के साथ असल में हमारे लोगों ने जो ना इस्तारा को सिर्फ मुन कर दिया शादी की हद तक यदि जब भी हमारे यहाँ शादी का मरहला आएगा अपनी बीवी को जो है अपनी बेटी को रुखत करना होगा बेटे की शादी करवानी होगी तो हम उस वक्त जो है वो इसखारा करवा लेंगे या कर लेंगे या किसी से पूछ लेंगे या निकलवा लेंगे हालांकि फिल उमूरी कुल्लीहा का जो लफ्ज़ है ये इसका कई मानों के ऊपर इतलाक़ होता है आप कारोबार शुरू करने जाते हैं आपको चाहिए कि आप पहले इस्तारा करें आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं आपको चाहिए है, आप पहले इस्ते करें आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपको चाहिए है कि आप पहले इस्तेखारा करें क्यों हो सकता है कि उसके लिए आप उस काम के अंदर आपके लिए कोई शर हो और आप अल्लाह से मशवरा नहीं ले रहे अल्लाह से चूंकि मशवरा नहीं ले रहे तो हो सकता है कि वहां से कोई शर का अंसर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए और आपकी लाइफ जो है ना तबाह बर्बाद हो जाए कितने ऐसे लोग होते हैं बहरहाल वो कुरान की एक आयत भी है ना कि आसान तक खैरकुम म तो इस आयत का इन डेप्थ माना भी ये निकलता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेज दिया वह आलम तुम्लम तुम्हें जो इलम दिया गया है वो थोड़ा इलम दिया गया है लेकिन अल्लाह के इलम के जरिए से मदद लो अल्लाह की क़ुदरत के जरिए से थोड़ी कुदरत हासिल करो अल्लाह से इसतहारा करो उससे मशवरा करो अपने तमाम अमूर के अंदर अपने हर काम के अंदर अब ऐसा नहीं है कि जी अः मैं शराब पीऊ ना पीयू इसके अंदर इस्तेखारा कर हराम हराम काम के हराम काम था के के अंदर अंदर नहीं मैं सिगरेट पीऊ ना पीऊं इसके अंदर इस्तेखारा कर लेता हूं ऐसा नहीं है क्योंकि उसके अंदर खैर है ही ना। नहीं ना खैर हो ही नहीं बिल्कुल जिस चीज में खैर आपको देखी नहीं रही उसमें खैर नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत के तहत एक चीज के अंदर उसमें खैर की नफी कर दी और शर कह दिया उसको उसमें खैर नहीं हो सकती उसमें जब उसके अंदर खैर ही नहीं रखी अल्लाह ताला ने तो अल्लाह ताला आपको उसमें खैर देगा ही नहीं तो मांगे ही नहीं उसके अंदर अगर एक चीज़ एब्सोल्यूट है आपके सामने भाई इसमें शर है तो उस वक्त तो इस्ते करना जो है वो तो ऐसा होगा कि वो सिर्फ अपने आप को आप बहाने में बहाना बना रहे हैं अपने आप के लिए कि हलाल कर किसी तरह मैं इसकी तरफ चला जाऊँ कि इसमें मुझे अब वो शैतान हो सकता है उसी वो ख्वाब दिखा दे कि नहीं नहीं पी लो तो उसको शैतान के ख्वाब दिखाने वाली बात की ना इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन मैं चाह रहा हूँ बड़ा हम आवाम को अभी जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे उनको खाली हम ये बताएं कि इस्तारे की इम्पोर्टेंस क्या है इस्तारा आपको देगा क्या इस्तारा करते क्यों हैं और आप सबने किस किस डायमेंशन के अंदर और किस किस फैसट के अंदर हमें इसखारे की जो है तरकीब दी है चाहे आप गाड़ी ख़रीद रहे हों चाहे आप कपड़ा ख़रीद रहे हो यानी जहाँ पे भी आपको तज्ज्ब हो या ना अक्सर अवकात जहाँ पे आपको तज्ज्ब नहीं होता यहाँ पे आपको जहाँ पे डाउट या जहाँ पे आपको डबल मीनिंग या डबल माइंड आप नहीं हो रहे होते तो वो वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप वो खैर एप्सोलूट दिख रही होती है या शर एपसुलूट दिख रहा होता है आप कहते हैं जी करना यही चाहिए या फिर शरीयत ने उसके ऊपर जो है वो अपना ठप्पा लगाया हुआ होता है कि ये काम करना सुन्नत है या फिर फर्ज है तो उसमें इस्ते करने की जरूरत ही नहीं लेकिन जहाँ पर भी यू हैव ऑप्शन इन लाइफ ना कहते हैं द मोर द ऑप्शन द मोर द कन्फ्यूजन जितनी ज़्यादा ऑप्शन होंगे आपके पास उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो उसी कन्फ्यूजन को बैलेंस करने के लिए और उसके अंदर एक राह निकालने के लिए देखें अल्लाह ताला का इतना ज़बरदस्त दीन है अगर आप जाए ना उस, उस मैं चाहता हूँ पिछली शरीयतों के अंदर या जाहिलियत के दौर के अंदर देखें ये बात करना कि इंसान को हर जगह खैर और शर डिफाइंड और एप्सुलूट दिख रहा होता है ये बात से मैं अग्री नहीं करता यह जाहिलियत के दौर के अंदर भी था कि उनको तज्ज़्ज्ज्ज्ज्ब होता था ये मुशरकिन को भी तज्ज्ब होता था यह उदो नसारा को भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने इंसान के तज्जुब को हाईलाइट किया है था लेकिन इस्तारा के अलावा वो कौन से तरीके थे उनके जिससे वो अपना तज्ब दूर करते थे भाई बहुत मैं कहूंगा यहाँ पे बहुत अफसोस की बात है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने एक तरीका देखा इस्तारे का एक आदमी ने ये कहा कि के... के तरीके अभी मुशरकिन का जो पुराना तरीका था वो ये तरीके क्या पुराना तरीका था वो एक तो ये तरीका था उनका कि जब भी वो फैसला कर रहे होते थे उनके सामने जाहिर सी बात है अब उनके वो देखते थे कि हाँ भाई कोई चीज अच्छी भी है एक फैसला अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है तो वो क्या करते थे एक तरीका तो ये था वो परिंदा उड़ा रहे हैं कि परिंदा दाए जाए तय्यो तो अच्छा हो गया फालने वाला निकाला बुरा हो गया तो पिजन इस्तेमाल होता था, ज्यादातर मूवीज के अंदर बचपन में जो देख ली या कार्टून देख लिए उसके अंदर ऐसे ही होता था कि वो परिंदा उड़ाते थे

इन पिन सेफ्टी बंसल हैं पुगम कर लो भाई फैसला नहीं तजजब है ना भाई जाऊं नहीं जाऊं कुछ भी कर लो तो इनका एक और तरीका था ये जो है ना निशानात बनाते थे फाल निकालते उस थे उस पे जो है ना कंकरियां फेंकते थे जहां वो गिरती थी वो अगर वो गिर जाए कि अगर वो उस पे फेल पे गिर जाए तो काम करते थे लातफल पे गिरे जाए तो काम नहीं करते थे यानी इतनी कमजोर साइकोलॉजी इंसान यानी कि पर जो है ना मैं कहूंगा कि वो काली बिल्ली भी आ जाएगी फिर अगर मैं वो यही बात करने वाला था कि घर से काम के लिए निकले सामने देखा कि काली बिल्ली आ गई नहीं नहीं भाई आज नहीं, तो काम आज, पे जा ही नहीं, नहीं सकते तो नहीं। आज अगर हम चले भी गए सुबह से शाम तक दुकान में बैठे भी रहे तो फायदा हासिल नहीं होगा ये लोगों की थाई की बनी हुई अगर कमाई हो जाए अगर कुछ हो जाए तो फिर वो काली बिल्ली का कोई फायदा नहीं था फिर तो अगले तो 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 दिन फिर तो अगले दिन यार आज दोबारा तो मजा वो दिन ज़ाया हो जाए वो मेहनत ज़ाया हो जाए बंदा खाली हाथ लौट जाए तो सारा इल्ज़ाम किस पर था कोई बेचारी मखलूक पर वो काली बिल्ली का काली बिल्ली पे इल्ज़ाम लगाते थे मेरे ख्याल है बहुत आसान है स्केप लेना से। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन काली बिल्ली को देखकर कारोबार अच्छा हो जाए पैसे ज्यादा आ जाए बिक्री अच्छी हो जाए तो अगले दिन तो यार काली बिल्ली को तलाश कर रहे हैं वो गुजरे की तो काम पे जाने मैंने तो देखा, तो तो मैंने तो मैंने देखा काली बिल्ली की रेट बढ़ गया बिल्ली के पीछे क्यों लग गए नहीं मैंने एक और कॉन्सेप्ट देखा बाल के हवाले से बात हो रही है टूटना मैं एक शॉप के अंदर था तो वो जो वर्कर था वहां पे जो लेबर था उससे छोटे इनको पेट्स पसंद है काले रंग के नहीं मैं वो एक ग्लास टूट गया ग्लास टूट गया।, गया तो इसका मतलब ये कोई बुरा शगुन हो गया यानी कि खैर चली गई हमारे पास से या चप्पल उल्टी है तो कोई खैर चली जाएगी हमारे पास से ये तो वो तरीके हैं जिससे वो काम नहीं करते थे अभी इसतारा उनको जब उनको तजब्ज जब होता था तो वो किसी ना किसी यानी सुपर नेचुरल चीज पे रिजॉर्ट करते थे कि कोई मुझे आके ये बता दे कान में कैदिल भाई आपने ये काम आज नहीं करना बुरा हो जाएगा आपके साथ क्योंकि असल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा आपने पैसा इन्वेस्ट करना है कल को वो लेके भाग गया या कारोबार डूब गया या कोविड ने तबाह कर दिया आपको तो नहीं पता गैर असल में इस्तेखारे की जो जरूरत पेश आती है पॉइंट दे रहा हूँ उस पर आप कंटिन्यू बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है इजाजत है पॉइंट दे इस्तेखारा क्यों होता है इस्तारा सिर्फ इसलिए होता है जो भाई ने बात की यार इलमें गैब नहीं है कल को क्या होगा इसकी जो तो तशनगी है ना क्या होगा कल क्या होगा कल मैं हूंगा नहीं होऊंगा कारोबार खार। होगा नहीं होगा बरकत होगी नहीं होगी कस्टमर लगेगा नहीं लगेगा प्रोजेक्ट कामयाब होगा नहीं होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी नहीं होगी मैप पास होगा नहीं होगा फ्लैट बिकेगा नहीं बिकेगा ये जो तशनगी है ना कल की कल की कल रेट क्या होगा आज क्या स्टॉक्स के अंदर हाँ रिश्ता ये कामयाब होगा नहीं होगा है? कि जब आप तलाके देखते हैं माशरे के अंदर सब जाते हैं रेट आपके तो वो कह रहे हैं ये कामयाब होगा नहीं होगा ये तश्नगी जो है ना ये गैब का ना होना या तो इंसान किसी इंसान पे छोड़ दे या किसी जानवर पे छोड़ दे किसी हाथी पे छोड़ दे वो या तो वो कौन है वो कौन सा हाथी था जो मैच के अंदर जो है वो आ, अपनी ट्रंक पे जो है फुटबॉल इधर उधर करता था और मैच का डिसीजन देता था क्या नाम था उसका वर्ल्ड तो कप पे जो आया था नहीं था अब आक्टुबस नहीं देखा ऑक्टोपस सॉरी हाथी बोल रहा हूँ क्या हो गया हाँ ऑक्टोपस हा, ऑक्टोपस से फैसला करा लें आप आठ टांगों वाले से या फिर जो दीनी हल है जो दीन कहता है वो भाई किसी से फैसला ना कराओ अल्लाह से वो अल्लाह जो गैब का जानने वाला है बिदात सुदूर, जो तुम्हारे दिल की कैफियात को भी जानता है जो अपनी कल को भी जानता है अपनी मखलूक को भी जानता है कल क्या हुआ था उसको भी जानता है कल क्या होगा उसको भी जानता है इन अल्लाह कदीर उस पर छोड़ दो, अल्लाह तुझ पर छोड़ दिया मैंने अब तू जाने क्या होगा एह तूने प्लान किया है ये इस्लामिक हल है ये शरी हल है कोई लोगों को ब्लैक मेल या लोगों से पैसे कमाना या लोगों को मजबूर करना या लोगों को डराने के लिए नहीं था बल्कि दीन तो आया ही लोगों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने के लिए कि इंसान इन्वेस्ट कर दे या इंसान रिश्ते पे सब कुछ हाँ बोल दे अगर सब ये समझ आ रही और जो कल क्या हो सकता है ये जो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में इंसान का माइंड जा रहा है ना यहां पर वो पता है वो पता सो सोएगा किस तरह है? और जो हौफ का जो का एलिमेंट होता है, आप, आप है हो बदमाश ने उतरते हुए देख लिए आप घर आके सोएंगे किस तरह मुझे ये बता दो आप एलिमिनेट कैसे करेंगे आपने रिश्ता हाँ कर दिया और सामने से आपने दो दिन बाद कोई बात सुन ली उनके बारे में आप कैसे सोएंगे कैसे सुकून में आएंगे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और किसी ने कहा भाई ये तो डबल चाहे ये तो पैसे लेके भाग जाता है इसने तो उतने उसके भी पैसे इतने खाए में ये तो सबकी इन्वेस्टमेंट पकड़ता है आखिर में खुद इन्वेस्ट हो जाता है कहीं पे तो अब ये भी सुनने में आएंगे तो ये जो तज्जो है दिल के अंदर या तो आप जो है वो ब्लड प्रेशर की एक आप रेबलॉक खा रहे होंगे और आप ग्लूकोफेज खा रहे होंगे शुगर की और आप जो है बस इसी पर डॉक्टर के चक्कर लगा रहे होंगे और क्योंकि क्योंकि स्ट्रेस इतना हो जाएगा ना क्या 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 यही तो है क्या होगा क्या होगा वर्ल्ड हो ऑफ़ हो तो ये यहाँ पे सब आग लग सकती है मुझे अभी वफात हो सकती है मलकुल मौत मेरा आ सकता अगर सोचने पे आए ना तो सब कुछ हो सकता है तो ये अल्लाह इंसानियत को क्या हल दिया है मैं चाहूंगा आप इस पर ज़रा अपने मुकालबा करें इसके कोई बात करें अपने अल्फाज ना बिल्कुल इस मामले को जो है वो एक खूबसूरत रंग दें कि अल्लाह ताला ने क्या सुकून दिया है अगर इस्तारा ना होता तो क्या होता देखिए मैं बात का आगाज करना चाहूँगा यहाँ से कि इसखारा जो है ये उमूर गैबिया को जानने का नाम नहीं है, है आदिल भाई इस्तारा उमूर गैबिया को जानने का नाम नहीं है कि गैबूबत के पर्दों के अंदर क्या क्या है मेरा बच्चा होगा या नहीं होगा मेरी शादी होगी या नहीं होगी हैं नहीं मैं किसी और डायमेंशन हाँ, के थीक थीक बात कर रहा सॉरी मेरी शादी होगी या नहीं होगी मेरे पास गाड़ी आएगी या नहीं आएगी कल मुस्तकबिल के अंदर मेरे पास कोई अच्छा बंगला होगा अच्छी जॉब होगी अच्छा कारोबार होगा या नहीं होगा तो मौलवी साहब मुफ्ती साहब आप जरा इस्ते मुझे बता दें तो इस्ते इन चीजों का नाम नहीं है सिखारा नाम है दो चीजों को मुहैन यानी ऐसी दो चीजें कि जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी शक है कि यार ये ये ठीक ठीक है है या है। मैंने इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है मैंने मेडिकल की फील्ड को जो है वो मेडिकल की फील्ड को अप्रोच करना है या मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड को मैंने आगे लेकर की तरफ जाना है तो यहां पर जो है वो उम्मत मुस्लिमा को या एक नौजवान तबके को फैसला करना चाहिए और इसखारा करना चाहिए और खैर तलब करनी चाहिए अपने मामले के अंदर और ये खैर तलब कैसे करनी है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे यानी कि अदिल भाई मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है ना उसमें एक खौफ का एलिमेंट होता है और एक उम्मीद का भी एलिमेंट होता है और हमेशा वो परेशान रहता है कि उसको एक उम्मीद होती है हो सकता है पॉजिटिव हो जाए लेकिन साथ साथ वो वर्किंग तो करता है सारी के एक जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चीज की तरफ जा रहा होता है लेकिन साथ साथ माइंड में यह भी होता है कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए एक खौफ होता है तो उम्मीद और खौफ लेकिन वो कभी भी उस फैसले के लिए सर्टेन कभी भी नहीं हो सकता उसमें हमेशा एक एलिमेंट होगा रिस्क का लॉस भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है क्योंकि वो गैप को जान जान ना इशारे का मतलब गैब को जानना नहीं होता लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड होता है एक लीप ऑफ फेथ होता है कि वो आगे कदम रख रहा है उस बॉक्स के अंदर अपनी लाइफ के उस उस मरहले के अंदर जहां पे कुछ भी हो सकता है और उस मरहले उस बॉक्स में कदम रखने के बाद उसका एक ही ईमान होता है और वो कुरान की आयत की वह अब बहुं बहुं मैं अपना मामला जो ना मतलब कहां से आप मोती लेके आए आयतों आयतों की शक्ल में इसका तर्जुमा तो बता दें उफुम करता है, मालिक है। लेकिन तो जो वो बोला ना उफबिद अल्लाह में जितनी टेंशन तेरे अल्लाह जितने खौफ है तेरे करता अल्लाह जितने दुश्मन है तेरे करता जितने हासिदीन हैं तेरे सुबर्त करता हूँ या अल्लाह जितने ताकतवर हैं तेरे सुबर्त करता हूँ या अल्लाह जितने परेशान करने वाले लोग हैं धमकी देने वाले हैं तेरे सुबर्त करता हूँ या अल्लाह बहुत कुछ हो सकता है जितने नुकसान हो सकते हैं तेरे सुबर्त करता क्यों क्योंकि मुझे बचपन से यही बताया गया है इन अल्लाह अलाकुल्ल कदीर वो क्या है जो मेरे रब से नहीं हो सकता वो क्या है जो तेरे दर से नहीं मिल सकता तो ये उफविदु अम्र इल्लाह यही इस्तिखारे की रूह है जो कि उस्ताद खुबैब ने यह आयत पेश की मैं तो ऐसी मुकालमा करने के लिए आ गया मशा लेकिन मशा जो है असल आयत आप लेके आए अल्लाह ने अपना भाल्बा मामला भाल्बा तेरे सुपर्द करता हूँ इस पे इब्ने अभी दुनिया की एक रिवायत है वो किताब में लेके आए अपनी इसराइली रिवायत है लेकिन एक जो है फजीलत के लिए और लोगों की असलाह के लिए सुनाई जा सकती है इबन दुनिया अपनी किताब में आ, ले आए हैं कहते हैं कि ईसा सलाम के हवारीयों में से वो रिपोर्ट करते हैं और जो इसराइली रिवायत वो होती है जो कि यहूद नसारा के अंदर जो लोग थे अगर वो मुसलमान हो जाते हैं और वो रवायतें बताते हैं कि जी हमारी किताबों में ये था और अगर शरीय के मुताबिक तो है तो कहते मसले की बात नहीं उसको सुनाने में तो कहते हैं ईसा सलाम अल्लाह ने पूछा तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा मुझे बुरा शख्स कौन लगता है इसलम ने कहा अल्लाह तू ही बता दो अल्लाह ने कहा वो शख्स मुझे नहायत बुरा लगता है जो इस्तारा करता है और जब मैं उसके लिए लिख देता हूँ और जब मैं उसको खैर दे देता हूँ तो उसमें वो राजी नहीं यानी जब आप कहते हैं कि अल्लाह मैं अपना मामला तेरे सपरद करता हूँ और अल्लाह कहता है सही है अब तुम्हारा केस किसके हाथ में है मेरे हाथ में अब मैं देखूंगा तुम्हारा केस मैं परसू करूंगा तुम्हारे केस को तुम्हारी सिफारिश को तुम्हारी फाइल अब मेरे पास है मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और तुम्हारे काम करवाऊंगा और अल्लाह जब कोई उसका उसने इस्तारे की दुआ में जो मांगा होता है अल्लाह ने उसके एन मुताबिक उसको दिया होता है उसने खैर मांगी अल्लाह ने जिस शक्ल में भी खैर दे दी अगर मैं उसको खैर दे दूं और जब वो राजी नहीं होता ना उस खैर पर अल्लाह तूने ये क्या कर दिया मैंने तो इस्तारा किया तूने ये क्या कर दिया अल्लाह को इस शख्स नापसंदीदा है बिल्कुल क्यों? बिल्कुल मुझ पर छोड़ कर मेरी कदर पर राजी नहीं है मुझ पर छोड़ के मेरे फैसले पर राजी नहीं है तो अल्लाह ताला की रजा अल्लाह ताला के बारे में हुसन ज़न अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना और अल्लाह की कदर पर राजी होना ये इसखारे का कॉन्सिक्वेंट के साथ मामला जुड़ा हुआ है लेकिन उससे पहले उस्ताद रसलान मैं चाहूँगा इस्खारे का आप शरी तरीका पे पहले लोगों को बताएं कि होता क्या इस्तारा कोई इजा हम बिशहीन इस हदीस के अल्फाज है तुम तो में जो है अगर किसी को मुसीबत या परेशानी या कोई भी फैसला करने के अंदर परेशानी है तो वो क्या करे इस्तारे का शरी तरीका क्या है लोग सुनना चाहते हैं देखें बहुत सिंपल सा तरीका है इसका कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कोई भी आप फैसला लेने जा रहे हैं सिंपल सा एक दुआ अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बताई है की तर्जुमा हम उसका बाद में कर देंगे वो दुआ आपने पढ़नी है और वही अगर आप दुआ पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आप या तो फिर आप दो रकात नफिल पढ़ें और फिर दो रकात नफिल पढ़ने के बाद आपने या तो उस नमाज में ही दुआ मांगनी है तशहद के अंदर दरूशरीफ़ पढ़ने के बाद वो दुआ पढ़नी है या फिर अगर आप वह दुआ तशहद में नहीं पढ़ें तो नमाज से फारग होकर सलाम फेर कर आप उसके बाद दुआ कर लें तो ये इस्तारे का सिंपल सा एक तरीका है एक दिन कर लें दो दिन कर लें तीन दिन कर लें चार दिन कर लें दस दिन कर लें इसमें कोई कैद नहीं है कोई टाइम की कैद नहीं है हाँ अगर आप इसमें फ़्लेवर ऐड करना चाहते हैं आप तहज्जुद में इस्तारा करें आप इसमें और मज़ीद आप फ़्लेवर ऐड करना चाहते हैं आप और नवाफिल पढ़ के आप इस्तारा करें आप फ़र्ज़ नमाज के बाद इस्तारा करें अल्लाह से दुआ मांगे तो जितना आप अल्लाह की तरफ आप रुजू करेंगे जितनी आपकी नीयत खारिश होगी जितनी आपकी इंटेंश, इंटेंशन जो है वो जितनी स्ट्रॉग होगी उतना अच्छा उसका रिजल्ट उतना अच्छा आपको अल्लाह की तरफ से इनशा आपको रिजल्ट मिलेगा यार आपने ये फरमाया कि इसखारे का शरी तरीक़ा है वो ये है आप पहले दो रकात नफिल नमाज पढ़ें मफरूदा दिस में जो अल्फाज हैं कि आप वो दो रकात नमाज पढ़ें जो कि आप फ़र्ज़ नहीं है आप कोई भी सुन्नत नफिल जो है दो रकात नमाज पढ़ें किसी भी वक्त हो सकती है वो और उसके बाद जो है उस्ताद उस्ता ने कहा कि भाई तशावत के बाद आप पढ़ सकते हैं वो दुआ या फिर जो है नमाज़ ख़त्म होने के बाद आप वो दुआ जो है वो दुआ तो उठा के जो है वो आप अरबी में दुआ पढ़ें और फिर उसका तर्जुमा आपको पता होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला उसी दुआ को कबूल करता है इसमें यकीन हो बेशक और यकीन तभी आएगा जब अरबी समझ आ रही और अरबी समझने के लिए एप्लीकेटिव अरबिक करना पड़ता है तो वो तो अलग बात हो गई लेकिन बात यह है कि अरबी तर्जुमा आपको आना चाहिए ताकि दुआ पता तो आप मांग क्या रहे हैं अल्लाह ताली से आप वो जिद किस तरह करेंगे अल्लाह ताला से अगर आपको पता पता ही नहीं आप मांग क्या रहे नहीं वो हदीस में आ आता है आप जिद करना शुरू करें जब या श़दीद ल, श़दीद लिकाव, श़दीद लिकाव आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे आप सही मानो के अंदर ना वो शेख साल से किसी ने पूछा कि भाई दुआ के अंदर कौन से नाम लेना चाहते हैं कहते हैं माल अजब मा माल असफ मैं कहते हैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वो रिस्क मांग रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की जो सिर्फ का नाम ले रहे होते हैं ना कुछ और ले रहे होते हैं यानी आपने अल्लाह ताला की, की मुनास्बत के साथ जो है दुआ मांगनी। बिल्कुल कि आप किस है। किस वसीले से दुआ मांग रहे हैं तो भी भी, भी आप के या शदीद एक सख्त अजाब देने वाले मुझे माफ कर दे नहीं वहां पे अल्लाह की जलाली सिफात नहीं अल्लाह की जमाली सिफात एक दुआ है आपसे मुकलबल कलू तबियत कल भी आला दिलों के फिरने वाले मुनासबत से मुनासबत बहरहाल इसतारे की दुआ जो है, वो उसके बाद और की दुआ क्या है यानी वो कहने का मकसद और आजाब मांग रहे हैं और बड़े मजे ले लेके मांग रहे हैं तो यानी मफहूम पता होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं इस वक्त बिल्कुल नहीं बहरहाल अरबी तो आनी चाहिए सब बेशक आया मांग के रहे हैं अरबी जो है ना वो नमाज पढ़ने आया सब कॉन्टीनंट के अंदर तो इमाम साहब जो है अपनी किरत कर रहे थे वो एक मशहूर वाकया सुनाया जाता है बचपन से हम सुनते आ रहे तो उसने जो है वो इमाम साहब ने सूर यूसुफ स्टार्ट की और सूर यूसुफ के अंदर ना वो किस्सा उन्होंने उन्होंने किरत की और वहाँ उन्होंने वहाँ तक पढ़ा कि अकल ठीक है यहाँ तक उन्होंने एंड कर दिया और वो रुकू में चला कर नमाज़ ख़त्म हो गई तो अरबी ने बोला भाई वो यूसुफ यूसफ्लम बचे थे नहीं बचे थे फिर <laughs> किस्सा पूरा नहीं किया आपने <laughs> पूरा नहीं किया आपने आपने जो नमाज के अंदर मुझे समझ आ रहा था लोग सुनना चाहते हैं कि जो दुआ है इस्तारे की वो क्या है इस्तेखारे की दुआ का मतलब उसकी रूहानियत उसके अंदर जितने आप मोती बिखेर सकते हैं और आप माशाल्लाह से इस चीज में माशाल्लाह से आला आप जो है वो नहीं, नहीं रखते हैं तो उस तो पर मुझे बताएं कि इसतखारे की जो दुआ है उसके अंदर जो है क्या उसका मफहम उसका लफजी तर्जुमा उसके अंदर जो खैर रखी है उसकी तशरी वो आवाम सुनना चाहती है देखें सबसे पहले आपके जहन में एक रिवायत होनी चाहिए और वो रिवायत यह है कि ला याकुबल्ला सुबह व ती भी ऐसे शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता क्या शख्स की मिन कल बिन ला गिन एक ऐसा इंसान के जिसका दिल बिल्कुल ही गाफिल है यानी उसको पता ही नहीं कि मैं मांग क्या रहा हूँ वो सिर्फ दुआ को पढ़ रहा है बल्कि दुआ को मांग नहीं रहा असल जो है वो दुआ को मांग रहा है, पढ़ना नहीं है अब उस्ताद अरसलान ने आपको बताया कि इस्तेखारे की दुआ कैसे पढ़नी है कब पढ़नी है तो उसका आगाज आपने करना है जैसे कि उस्ताद उसताद अदिल बता रहे थे हदीस के अल्फाज मिन गैर फरीदती आपने दो रकात अदा करनी है जो कि फ़र्ज नहीं होंगी सुन्नत नवाफिल आपने नियत करके फिर उसके बाद तशाह के बाद जो दुआओं का मरहला आता है वहां पर आपने उस दुआ को पढ़ना है वहां पर नहीं पढ़ सके अच्छा वहां पर क्यों नहीं पढ़ सके सवाल तो यह पैदा होता है ना कि अगर आपको याद नहीं है तो आप वहां पर ना पढ़ें ठीक है जी अगर याद है तो वहां पर पढ़ लें सलाम फेरने के बाद दुआ आप पढ़ेें अगर आपको याद नहीं है आपने दुआ पढ़ी अब देखें दुआ का तर्जुमा अल्लाह अकबर क्या अल्फाज है इंसान अगर इन अल्फाजों को अपने जहन और अपने कल्ब और अपने दिमाग के अंदर उतार लेना तो उसकी लाइफ के अंदर अहतदाल पैदा हो जाए हदीस के अल्फाज अल्ला इन्नी अस्तखीरुका बेलमी का मैं मैं इतखारा करता हूँ मैं खैर तलब करता हूँ तेरे से क्योंकि तो मेरे पास तो इल्म नहीं है जो इल्म तेरे पास है तो, तो गैब है या, या अल्लाह तेरे पास तो गैब की कुंजियाँ हैं मेरे पास तो कोई गैब नहीं है मुझे नहीं पता ये भी रास्ता मेरे सामने ये भी रास्ता मेरे सामने ये भी रास्ता मेरे सामने मुझे परेशानी ये हो रही है कि मैं किस रास्ते का इंतख्य करूँ मैं मेडिकल की फील्ड में जाऊँ मैं ये कारोबार करूँ या मैं किस से शादी करूँ अल्ला इन्नी अस्त खीरुका वह आज तक दरुका बेकुदरती का या अल्लाह कुदरत तेरे पास है या अल्लाह सारी चीजों का जानने वाला तू है हर चीज के ऊपर इकतेदार हर चीज के ऊपर तसरु तेरा है हर चीज के ऊपर इख्तियार तेरा है तो या अल्लाह ये कुदरत थोड़ी सी मुझे भी यता फरमा दे वह अज का मैं कुदरत तलब करता हूं मैं ये सलाहियत तलब करता हूँ भी कुदरती का वह अस अलगमिन फजल अज़ीम या अल्लाह बात यह है कि जो सवाल करना है वो सवाल यह है कि वह अस अलकम फजल कल आज़ीम तेरा जो फजल है और तेरा आम फजल नहीं एक आम फज़ल होता है एक ख़ास फजल होता है या अल्लाह मुझे तेरा ख़ास फजल चाहिए तकदिरु वाला अकदिरु या अल्ला मामला यह है तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है वला अकदिरु मुझे कुछ नहीं मालूम वाला आलम सारी चीजों का जानने वाला तू है वाला आलम मेरे पास तो कुछ नहीं है जानने के लिए या हमें तो थोड़ा सा इलम दिया गया है उसी की रोशनी के अंदर तेरे पास आया हूं तलब करने के लिए तो वाला आलम आगे क्या है जी आलम अल्लाह सारे गयुबात को तू देखने वाला है तू जानने वाला है या अल्लाह गैबूबत के पर्दे मेरे सामने हाइल हैं लेकिन इन पर्दों के पीछे जितने भी गयुबात हैं जितनी भी गैबी चीजें हैं या अल्लाह उनका देखने वाला जानने वाला तू है ए अल्लाह इन इनकुन तम अगर तू जानता है अन्ना हाजल ये काम और यहां पर आपने नियत करनी है और उस काम का नाम लेना है जल अमरा अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए हैर वाला है अच्छा है भलाई वाला है पीदीनी व माशी अल्लाह अकबर अंदाजा लगाए अल्लाह ये काम अगर मेरे दीन के लिए मेरी दुनिया के लिए मेरे माश के लिए और इस दुनिया के बाद कल आखिरत में अगर ये काम मेरे लिए नफा बख्श है वाला है अल्लाह इस काम को मेरा मुकदर बना दे वली अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान कर दे या इस कारोबार को मेरे लिए आसान कर दे या अल्लाह जिस फील्ड के अंदर मैं जिस फील्ड को मैं तलाश कर रहा हूँ सरगर्दा फिर रहा हूँ या अल्लाह उस फील्ड को मेरे लिए आसान कर दे तुम मुबारकलीफी ही अल्लाह फिर उस फील्ड को मेरे लिए आसान कर दे और उसके अंदर बरकत फरमा दे वह इनकुन तमों और अल्लाह अगर तो जानता है अन्ना कि ये काम मेरे लिए दीनी वहाशी वा वहाँ ये मेरे दिन को भी बर्बाद कर देगा ये काम मेरी दुनिया को भी बर्बाद कर देगा <म्लग> और ये काम कल आखिरत के दिन मुझे बर्बाद कर देगा मेरी जिल्लत का मेरी रुसवाई का और मेरी बर्बादी का सबब बनेगा और सिर्फ हुआ व सिर्फ रिहान अल्लाह इस काम को भी मुझसे दूर कर दे और मुझे भी इस काम से दूर कर दे हम दोनों के रास्ते जुदा जुदा कर दे अल्लाह मेरे लिए जो खैर की चीज है या अल्लाह उस खैर की चीज को मेरा मुकद्दर बना दे हाई सुकाना या अल्लाह वो काम जहां भी हो वो फील्ड जहां भी हो या अल्लाह वो कारोबार जहां भी हो मेरा रहना बसना मेरा कारोबार करना मेरी जॉब करना मेरा कुछ भी हासिल करना जहां भी हो हाई सुकाना या अल्लाह उसको मेरा मुकद्दर बना दे तुम अर्जनी भी अल्लाह जब मैं उस काम के ऊपर चल जाऊं उसको करना शुरू कर दूं या अल्लाह फिर उस काम के ऊपर मुझसे राज़ी भी हो जा ये इसतिहारे की दुआ उसका मतलब उसका मफहूम मैंने आपके सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ इस जो इसखारे का पूरा तरीका तो 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 मैंने आपके सामने मैं रखा है बेशक इस हक के बाद क्या है मतलब क्या रह जाता है ये दुआ जिसने पढ़ ली और सुन ली इस दुआ में क्या कमी कोताही रह जाती क्या रह गया जो के हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा ऐसा इस दुआ के अंदर सब कुछ था और यकीन जाने अगर इस दुआ की शराब पे आ जाए ना बेशक तो एक पॉडकास्ट नहीं छह पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे एक एक, की एक, एक, लवस के लवस उपर, एक 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 के ऊपर एक एक लफ्ज के ऊपर फखर है एक एक लफ्ज के ऊपर इंसान की तजलील है और एक एक लफ्ज के ऊपर मेरे रब की तजीज है वो जो इबादत और उलूहत और गुलामी का जो गुलामी का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह तला के साथ मैं तेरा गुलाम हूँ मेरा बाप भी तेरा ग़ुलाम है मेरी माँ भी तेरी ग़ुलाम है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव करने के लिए एक एक लफ्ज उस पर विटनेस है शाहिद है कि अल्लाह में इन्नी अस्तखीरों का या अल्लाह मैं खैर का तलबगार हूँ जितनी भी खैर आती है बेयदी कल खैर अल्लाह सारी खैर कहाँ पे है तेरे हाथों में है हमारे हाथ में हमारे हाथ में।, में क्या है अल्लाह तला ने कुरान नहीं बता दिया कि तुम्हारे हाथ में क्या है Bearer, बिमा कसब जितना फसाद है दुनिया के अंदर समंदरों में जितना फसाद है जमीनों में जितना फसाद है अल्लाह कह रहा है बिमा कसब नुम्हारे हाथों की कमाई है अगर तुम्हारे हाथों में दुनिया को छोड़ दे अगर तुम्हारे हाथों में तुम्हारे कारोबार को छोड़ दे अगर तुम्हारे हाथों में तुम्हारे मुलाजमो को छोड़ दे अगर तुम्हारे हाथों पे तुम्हारे अहले अहल अहलोल को छोड़ दे तो यकीन जानो तुम्हारे हाथों से फसाद के अलावा कुछ नहीं आ सकता हर जगह फसाद ही पैदा करोगे अल्लाह इन्नी अस्तखिर या अल्लाह मैं तुझसे तो खैर तलब करता हूँ अल्लाह जितनी खैर है वो तेरे पास मेरे पास कुछ नहीं है वह का भी कुदरती का वह अस्तक दिरू का भी कुदरती या अल्ला तेरी कुदरत में से अल्लाह कोई कुदरत मांगता ये ला हौला वला कुतः इल्ला बिल्लाह की तशरीह है कि इंसान सारे अमल करता है इनिशिएट वो करता है फैसला वो लेता है लेकिन उसके बाद जब नहायात के अंदर आता है जब वो उस अमल को इंतहा तक पहुँचता है तो अल्लाह ने यही सिखाया अगर मेरा बंदा है तो कह दे ला हौला अला कुत अल्ला बिल्ला अल्लाह मैंने नहीं किया अल्लाह मेरे पास तो ताकत ही नहीं थी ये करने की अल्लाह मेरे पास तो कुत ही नहीं थी करने की आप गाड़ी में बैठते हैं। स्टेरिंग आपने पकड़ा लाइसेंस आपने हासिल किया गाड़ी में पेट्रोल आपने डाला आपका, आपका है ब्रेक पे पाऊं आपका है गाड़ी आपकी है सीट बेल्ट आपने बांधी है।, है लेकिन अल्लाह कहता है मेरा बंदा है ना मेरा बंदा तो आप क्या कहने सुबह अल्लाज अल्लाह तूने मुशर किया इसको मेरे मां ये सवारी अगर मेरे कंट्रोल में है तूने की है और आखिर में कहती वमा कुन्ना लहू लहूँ अल्लाह हम इसको चला नहीं सकते थे अल्लाह मैं कहाँ से चला सकता हूँ उस और जो अल्लाह का बंदा नहीं होता जो इस्तिखारे की तरफ नहीं आता जिसके दिल में वो एसेंस नहीं होती वो बोल देता इन्ना मा होती तू अला इल्म। ये तो मेरे इल्म की वजह से मिला है मुझे ये तो मेरी स्ट्रेटज की वजह से मिला है मुझे

कोई अल्लाह कोई दुनिया में ऐसा भिखारी नहीं आया होगा जितने बड़े भिखारी तेरे दर के फकीर हैं अल्लाह दूसरा अल्लाह कुदरत भी नहीं है ना इल्म है ना फिजिकल कोई कैपेबिलिटी है ये आ गई आप तीसरा अल्लाह तेरा फजल मांगते अदल नहीं मांग अगर तू हमें इसलिए देगा कि हम अहल उसके अल्लाह तो मिल नहीं सकते सुबह बह अलू का मिनफ निकल या अल्लाह तेरा फजल चाहिए फजल क्यों मैं ना इसके काबिल हूं और ना मैं इसका अहल अब भी तो भी तेरे गुनागार बंदे हैं है? रब रबर वह सू अमाली ना, ना वा, वा सुई या अल्लाह हमारे चेहरों को भी मत देख गुनागार हैं दामन गुनाहों से भर चुका है या अल्लाह हमारे अमाल को भी ना देख या अहम तेरे फजल के तलाशी तलाज, हम तेरा फजल मांगने आए हैं का तकदिर ये हमने उस्ताद अरसलान हमने उसने की पहली क्लास से पढ़ते आए सिर्फ ये कहना अल्लाह तू ताकतवर है ये अल्लाह की शानी अल्लाह कह रहा है नहीं अगर तू वाकई मेरा गुलाम है तो जुमला मुकम्मल कर और बोल कि अल्लाह तू, तू ताकतवर है और मैं ताया नहीं बिल्कुल ये अपनी मैं मार यहाँ पे हम कहते हैं इस्तारा भी हो जाए और मेरी मैं भी जिंदा हो जाए अल्लाह के लिए गिर जाओ अल्लाह उठा देता है उसको बिल्कुल अल्लाह कह रहे हैं, मेरे लिए गिर अल्लाह तू बड़ा मैं छोटा मेरी जिल्लत जब दुआ मांगते थे तो कहते थे अल्लाह तू बेनियाज है तुझे किसी की जरूरत नहीं तू इंडिपेंडेंट है नहनफ़रा फ़कीर فَقیر हम फ़ीर हम फ़कीर बिल्कुल हम फ़कीर हैं वह अंत अल कभी और अल्लाह तो ताकतवर है व नहनफा या तो बड़े कमज़ोर है वह खुल कल इंसान द्दाइफा अल्लाह तू ने तो खुद का है हमें कमज़ोर बनाया है या अल्लाह मानते हैं हम कमज़ोर है तू ताकतवर है हम कुदरत नहीं रखते तू इल रखता है और मैं इल्म नहीं रखता यानी अपने आप के इल्म की नफ़ी करनी पड़ेगी वो शेख आतब कहते हैं ना अपने आप को जो मिटाएगा उसी का नाम तारीख में पैदा हो तो बोले मैं कुछ चूं मैं कुछ चूँ मैं कुछ तारीख उसको याद नहीं रखी मिटाना पड़ेगा अपने आप अल्लाह मेरे पास ताकत नहीं है तेरे पास ताकत मेरे पास इल्म नहीं है तेरे पास इल्म है और तू गैब का जानने वाला है उसके बाद दुआ का जो है वो आगाज है कि अल्लाह अगर इस मामले के अंदर खैर है तो मेरे लिए लिख दे इसको और खैर किसके अंदर पहला दीन पहला दीन हो सकता है एक चीज दुनिया के लिहाज से खैर हो और दीन के लिहाज से ना हो हो सकता है ये कारोबार आपको दुनिया के अंदर तरक्की तरक्याता कर दे लेकिन आपको अल्लाह ताला से दूर कर दे हो सकता है आपकी हिदायत छिन जाए हो सकता है ये नेमत आपको अल्लाह ताला से दूर कर दे तो पहली चीज़ ये अल्लाह के मेरे दीन के लिए बेहतर या अल्लाह मेरी अगर दुनिया के लिए बेहतर या अल्लाह अगर मेरी आखिरत के लिए बेहतर है तो इसको मेरे लिए लिख दे और इसके अंदर आसानी पैदा कर इतनी अच्छी दुआ अल्लाह लिख भी दे और रास्ता भी आसान कर दे फख्तुर होली मुझे इस काबिल बना दे कि मेरे अंदर इतनी ताकत हो मेरे अंदर वो कुवत पैदा कर दे कि मैं इस चीज़ को संभाल सकूँ लेकिन उसके बावजूद भी जो कमज़ोरियाँ हैं अल्लाह वयसर होली आसान कर दे आसान कर आसान कर दे क्योंकि मैं जितनी भी तो ताकत दे दे मैं फिर भी हैंडल कर सकता अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें आपकी 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 जो है तकदीर में लिखी हैं लेकिन जरूरी नहीं आसान आसान भी हो बिल्कुल यानी कितनी अच्छी दुआ है अल्लाह के नबी नबीम रऊफ़ और रहीम थे अपनी रहीम यानी रहम तो था आपसे उनके अंदर अपनी उम्मत के लिए लेकिन रऊफ़ की जो सिफ है ना ऐसी कि मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो जाए कह दिया कि अल्लाह जो तूने मेरी तकदीर में लिख दिया है वो मेरे अगर नहीं लिखा लिख दे ये मेरी तकदीर में लिख दे खैर और इसमें आसानी पैदा कर दे और अल्लाह अगर इसमें बेहतरी नहीं है अगर इसमें बेहतरी नहीं है मेरे दीन में मेरी दुनिया में मेरी आकरत में मेरे अहलोल के लिए मेरे लिए फैमिली के लिए माशरे के लिए अगर अल्लाह खैर नहीं है इसके अंदर तो अल्लाह सिर्फ अगर तू उस चीज़ को मुझसे दूर करेगा ना तो मेरे दिल में हुजन आ जाए। है? क्या फलसफा है इसके अंदर मैं आपसे कह रहा था ना छह पॉडकास्ट कम पढ़ेंगे सफा के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना उनको तो इल्म क्या होता है इल्म. अगर सिर्फ वो चीज दूर हो जाती ना तो उसको बोलते हैं फिराक आपको कोई छोड़ के चले जाए कितना गम होता है बिल्कुल क्यों सोचे असलान भाई आपको कोई छोड़ के चले जाए कितना गम होगा लेकिन जिस दिन वो आपको छोड़ के जाए आप भी उसको छोड़ के चले जाए कम कम हो जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल मुलाकात हुई कराची में मेरी और आपकी खुल के बात कर रहे हैं भाई खुल के बात कर रहा रहे <laughs> मेरी और उस्ताद की मुलाकात हुई कराची <laughs> में और का तो रिश्ता ही फिर नहीं बहरहाल अब आज... नहीं 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 अच्छी क्या बात अगर भाई हमें गुश्ता चले गए तो हम ये छोड़ के चले गए बहरहाल अगर जैसे फॉर एग्जांपल कराची छोड़कर चले जाएं आप तो मैं बोलूँगा है उस अब मैं जब इस जगह पे देखूंगा इस इन दीवारों पे देखूंगा मैं बोलूँगा भाई ये दीवारें तलाश कर रही हैं मेरे अरसलान रान दीवारें दीवारें सुनसान हो जाएंगी सुनसान हो जाएंगी <laughs> बे हो जाएगी लेकिन ये गम कम हो सकता है एक तरीके से कि मैं भी अगले दिन से यहाँ ना और और भी ना ना मुझे इनकी ख़ास याद आएगी ना इनको मेरी याद अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर नुकता दिया है वो ये कि अल्लाह अगर इसके अंदर खैर नहीं है नहीं तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ये यहीं पर है और मुझे दूर कर दे मुझे ऐसा लगे कि मुझे साइड पर कर दिया नहीं अल्लाह इसको, इसको भी दस मील इसको भी सौ मील दूर कर दे और मुझे भी सौ मील दूर कर दे बिल्कुल कि हम कल को अल्लाह पसंद तो थी ना चीज़ तो पसंद थी अल्लाह ना भैंस के करीब आऊं और ना ही मेरे करीब है ना ये गाड़ी मुझे कल को देखे और ना कल को भैंस को देखे तो बात खत्म हो गई अब जिस गाड़ी पे आपका दिल था कि आपको यही वाली आपको जो है वो सिवे के, आपको यही वाली फॉर्चूनर यही वाली आपको वी एड चाहिए थी कोई और ले जाए और वो कोई और चला रहा हो आपके सामने तो क्या होगा दिल है कुछ वो. वो पिछला वाला पॉडकास्ट देख ले नज़र तो लगेगी <laughs> लेकिन अगर आपको आपको पता भाई वो जबान चलेगी गाड़ी वापस सुकून आ जाएगा आप चलो आईना नहीं दिखेगी गाड़ी यहाँ पे दोबारा तो ये अल्लाह ताला ने पे नुकता आप सामने रखा है अल्लाह के हुक्म से कि अल्लाह उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे और अल्लाह मेरे लिए खैर लिख ऐसा नहीं कि बस दूर कर दिया और मामला अल्लाह मेरे लिए खैर लिख उससे बेहतर लिख उससे बेहतर लिख जो मेरे दीन में बेहतर हो मेरी दुनिया में बेहतर हो मेरी आखिरत में बेहतर हो और उसके बाद जो है उसमें अल्लाह बरकत डाले और मुझे उस पर राजी करे अल्लाह तला का इंसान को राजी करना है ना किसी चीज में मुझसे राजी हो जाए अल्लाह भी भी कर तुमल दे देते यानी कि इंसान ने कह दिया अल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए जो तू दे जब पढ़ ली तो क्या रहे फिर क्या रहे यहाँ पे आप कहते फख्दी मुझे इस काबिल कर दे वयसर हो लिया और मेरे लिए आसान भी कर दे फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल ने एक और बात बोली सुम्मा बारिकली फी यानी कि शुरू में आप अल्लाह से दुआ मांगते हुए आ रहे हैं और जब अपनी काबिलियत भी मांग ली और अपने लिए आसानी भी मांग ली फिर भी ये कह दिया अल्लाह तेरी बरकत के बगैर नहीं हो सकता यानी कि तेरी बरकत के बगैर मेरी काबिलियत भी ज़ाहिर हो जाएगी वो आसानी भी खत्म हो जाएगी अगर तेरी इसमें बरकत बारिकली उसको लिख दे मेरे लिए उसको लिख दे त, मेरे तो लिए त, तर, अगर जो हम कह रहे ना कि अल्लाह मुझे काबिल कर दे उसके लिए तो काबिल हो जाऊं और वो भी मेरी तरफ आ जाए और उसमें आसानी भी हो जाए और अल्लाह तू उसमें जो है वो बरकत भी दे माशाल्लाह जी हाँ सवाल सवालात बहुत है लेकिन सवालत से पहले ये तो दुआ हो गई तो ये दुआ इंसान पढ़ ले, अगर इंसान का अल्लाह पर यकीन है तो और क्या बच जाता है लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप दोनों मशाइ ये बताएं अब को दस तरीके जो इसखारे के जो कि शरीय से साबित नहीं और गलत है भाई इसमें जो है इसमें जो है वो तरीके इसतखारे इस्तखारे के वो तरीके जो कि लोगों ने या तो पैसा बनाने के लिए या फिर जो है दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर खुद मन गलत बिदात लेके आ गए कि जो एक इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट था शरीयत का जो इतना मुबारक कॉन्सेप्ट था जो दो लोगों के दिलों का सुकून था जो गमजदाओं के लिए सहारा था उसको हमने क्या बना दिया मैं चाहता हूँ कि आप इस्तारा कि जो गलत गलत कैफियात है उसके ऊपर जो है वो बात करें यानी कि अदिल भाई आप ये देखें कि इतनी वाज हदीस है इतना आसान तरीका है और कोई इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इस्तारा करना और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक इंसान को बहुत कोई ज़्यादा नेक होना पड़ेगा तो अगर एक इंसान अगर गुनहगार है हर बंदा हर बंदे से गुनाह हो जाता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा मेरा इस्तारा कबूल नहीं होगा या मेरे साथ वो मामलात नहीं हो सकते जो एक नेक इंसान के साथ होते हैं अगर कोई शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो उसके लिए दुआ काफ़ी है अब देखें अब हमें बड़ा अफसोस होता है मैंने अभी एक शख्स को देखा और उसने ये कहा मुझे बड़ी शर्म आई ये बात सुनकर और एक कहने वाला कौन मुसलमान वो ये कहता है कि मैं आप एक है मसनून उसने बात इस तरह स्टार्ट करी एक है मसनून इस्ति यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया जो अभी जो जिसको डिस्कस हुआ और वो सबसे ज्यादा मुजरब है ये भी उसने अल्फाज कहे और वो सबसे ज्यादा मुजरब है यानी कि तजुर्बा उसका बहुत ज्यादा अच्छा है उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे और उसने बाद में जो ये अल्फाज कहे मैं कहता हूँ इन इन्ना इन्ना उसने कहा लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे अलाजुबान रजीद यानी कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि जो मसनून इस्तखारा है जो अच्छा इस्ति है जो सही इस्तारा है जो सुन्नत से साबित है और वही सबसे ज़्यादा मुजरब है लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ और उसने फिर अपने सामने कोई दानों की तस्बी पकड़ी और उस कह रहे है आप जो है ना तस्बी को सामने रखें और इक्कीस मरतबा सूर्य खिलास पढ़ें दुरोशरीफ पढ़ें और फिर ये दुआएं पढ़ें मेरे भाई यही काम करता रहेगा तो वो फिर अमल क्यों करेगा अगर उसने यही करना है सारा दिन अगर एक शख्स क्या अल्लाह ताला अगर एक इंसान के दिल से एक दुआ निकल जाए अल्लामिन तखीर का ब्याम वो नमाज पढ़ लेगा क्या हो जाएगा अगर वो सुन्नत को फॉलो कर लेगा क्या हो जाएगा दूसरा, एक ये तरीका देखा मैंने दूसरा मैंने ये तरीका देखा कि किए भाई आप भी वाकिफ होंगे कि फोन पे इससे हो रहा है बेशक यानी कि फोन करें आप अपना नाम बताएं फिर आप अपनी वालदा का नाम बताएं फिर आप जो है ना वो शहर का नाम बताएं जिससे शादी हो रही है उसका नाम बताएं जी हाँ फिर उसकी भी वालदा का नाम पता है फिर वो थोड़ी देर होल्ड पे जाएगा बंदा अब वो पता नहीं उसके बाद वो क्या करते है बाबा जी होल्ड पे जाते हैं और फिर वो कहते हैं जी जी फैसला हो गया आप ये काम कर लें अच्छा मुझे किसी ने बताया कि एक बड़ा मजा किस्सा है कहना कि भाई मैंने इस्तेखारा करवाया और मौलवी साहब ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि कुर्बानी चल रही है और ईद एद, ईद है कुर्बानी चल रही है तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा ख्वाब है मैंने जो देखा है ये हज का हज का महीना मैंने देखा है तो आप एक काम करें आप ये निकाह कर लें आप शादी कर लें खारा बहुत अच्छा है उन्होंने बोला भाई दो साल बाद मुझे पता चला वो मैं ही कुर्बान हो रहा था <laughs> तो भैया आप खुद इस्तखारा करें ये बहुत आसान सा तरीका है अच्छा अब देखें कुछ तरीके मैंने देखे अभी कि एक साहब जो है ना वो कुरान अब वो कहते हैं कि हम कुरान से इस्तारा करते हैं है भाई कुरान से इस्तारा कर ज़रा गौर करें कुरान बंद रखा उन्होंने कहा कि बताएं क्या फैसला है आपने सिविक लेनी है या करोला लेनी है ठीक है आपने ये वाली यूनिवर्सिटी में जाना है या वाली यूनिवर्सिटी में जाना है आपने इस शहर में ट्रैवल करना है उस शहर में ट्रैवल करना है उन्होंने कुरान खोला और अगर उनको कोई आयत दिख गई उसमें से उन्होंने उसकी मुताबकत जोड़ी उनकी मुनासिबत अगर वो हो गई उस यूनिवर्सिटी से यानी कि अगर उनको दरख्त आ गए नज़र तो वो पहाड़ों में अगर कोई यूनिवर्सिटी तो बोलेंगे देखें जी वो आयत आ गई है सामने इसमें पहाड़ों का जिक्र है अफलायूनबिल कहीं फा खस समा कहीं रुपयाली कहीं फा मुसबत तो वो जो यूनिवर्सिटी वो जो नॉर्थ में ना आप चले जाए क्योंकि ये ये हमारे तरीके तो नहीं है कि कहाँ से आ गए ये तरीके शादी के मामले में सिखाने के लिए वो दायरे बनाए हुए हैं उसमें नंबर लिखे हुए हैं कुरान के दायरे बनाए हुए हैं उसमें नंबर लिखे हुए हैं और न जाने और कितने किस्म के है, कार हैं ये वैसे आपने बात बिल्कुल सही की मैंने देखा है की ज्योमेट्री बहुत आती है ज्योमेट्री बहुत आती है ट्रिग्नोमेट्री इतनी सीखी हुई है कंपास से बिल्कुल दायरे बनाए जाते हैं और उसके अंदर बहरा की तो बात जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है लेकिन उस्ताद रसलान ने बिल्कुल आजकल की जो हकीकत है इसतखारे को किस तरह मिस यूज़ करके जो है से आपका जो है वो रिश्ता आया आपकी बेटी का तो वालद साहब जो है वो मौलवी साहब के पास जाएंगे इस्तारा करने के लिए मौलवी साहब बोलेंगे अच्छा मैं नाम बता दो अब मैं रात को सोऊंगा और जो है मैं सुबह उठ के जो है बताऊंगा कि इस्तारा नहीं आया मतलब आप इसमें जो है ना वो एक वही वाक्य है बहरहाल वो वाक्य में सदाकत है या नहीं है कि क्या पढ़ने के बाद मैं हाँ मैं मैं उस पर आ रहा हूँ सवाल पे भाई इसखारा यार मुझे एक बात बताएं अल्लाह ताला तुआ इसमें अख्तिलाफी मसाइल बहुत हैं छोड़े सब मेरे उस्ताद थे वो बोलते थे यार इल्म को ना इख्तलाफा को देखते हुए ना पढ़ा करो ना पढ़ाया करो लोगों से दिल की बात किया करो लोगों को समझ आया थी क्या सही है क्या गलत है बिल्कुल जो आयत जो दुआ का तर्जुमा आपके सामने पढ़ा गया है मुझे ये बताएं ये कोई और पढ़े आपके लिए उसमें ज़्यादा अल्लाह तक को देगा या भी आप भी खुद अल्लाह ताला से मांगे यानी आपने तो कह दिया मैं नहीं कर सकता यानी इसमें जो है वो कह रहा है अल्लाह मैं तेरा गुलाम मैं तेरा गुलाम मैं तेरा गुलाम अब कोई और किसी के लिए इस्तेखारा कर रहा है तो मैं ही गुलाम तो अल्लाह उसी को दे देगा आप अपने लिए इस्तारा कर रहे हो उनको मिल जाएगी गाड़ी तो बहरहाल आपने जो है ना वो अपने लिए इस्तेखारा करना है तो आपने खुद वह मांगनी है आपने खुद अल्लाह ताला के आगे अल्लाह ताला के आगे रोना है आपने आउजारी करनी अल्लाह दे दे बस अल्लाह दे दे अल्ला, इस ये कोई और कैसे दुआ मांगे तो वही मिसाल हो गई कि आपके सगी सगे वाले के इंतकाल हो और आप कह रहे हैं जो मैं दुआए मक़फ़रत कर सकता हूं ना इस जनाजे के ऊपर वो मुझसे भी तो कोई और भी कर सकता था हम बोलेंगे शायद जो है ना माँ बाप का नाफरमान बच्चा ये जो आप वो तो कहते वो जो बहरहाल मौलिक साहब बेशक जो है वो अफजल है और जो है उनक, उनकी जो है वो दुआ मांगने लेकिन में जो दर्द आपका जो होता जो ना। दर्द आपका ना आप एक बच्चा जब अपने वाले के जनाजे पे खड़ा होता है ना तो दुआ या निकलने मैंने मैंने पढ़ाया है अपने खानदान में बहुत करीबी लोगों का और मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जब वहां पे आप मसल पे खड़े होते हैं ना सामने वो जो मैयत पड़ी होती है अल्फाज नहीं निकलते मुँह से दिल रोता है उस वक्त इंसान का जो मुसीबत आपको आई है जो परेशानी आपकी जिंदगी में आ चुकी है जो टेंशन आपको है वो स्ट्रेस कोई और ले नहीं, नहीं सकता तो इसीलिए ये मसले ही तब पैदा होते हैं जब वो काम जो अल्लाह ताला ने हर फर्द पे लादिम किया है और साहबा कह रहे हैं कि आप सब हर किसी को सिखाते थे और इतना सिखाते थे जिस तरह की कुरान के सूर्य जिस तरह आपको सूर्य फातह याद है ना इस तरह दुआ अदिल भाई एक बार इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक साहब आए और उनके बेटे का गालिबा निकाह हो रहा था तो वो कहने लगे इस्तारा करवाना है मैंने बोला भाई निकाह आपके बेटे का हो रहा है इंटेंशन उसकी मामला सारे उसके तो उससे अच्छी दुआ मैं कैसे मांग सकता हूँ उसको चाहिए वो खुद दुआ मांगे क्योंकि भाई उसके मामला हैं जितना ज़्यादा जितनी अच्छी और जितनी अच्छी इंटेंशन उसकी होगी तो उसके लिए मैं कैसे इस्तारा कर सकता हूँ मेरे लिए तो मैं आपको हाँ कह दूँ मैं आपको हाँ कह दूं कि जी ठीक है मैंने सिखारा कर दिया मैं आपको हाँ कह दूं लेकिन ये किसी और से सिखारा कराना भाई मामला आपके जैसे अदीत भाई ने बोला अब अगर अल्लाह ना करे किसी के अगर रिश्तेदार का अगर इंतकाल हो जाता है वो जनाजा पढ़ रहा है इमाम साहब जनाजा पढ़ेंगे भाई उनका तो रूटीन है आपने दुआ क्यों नहीं सीखी जिस तरह आप अपने वादे साहब का जनाजा पढ़ेंगे जिस तरह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी जिस तरह आपको रोना आएगा जिस तरह आप चाहेंगे कि अल्लाह मत खिल जन्ना वाइज में नजाबिल वो तो मोलवे साहब थोड़ी कर सकते हैं इसी तरह अगर आपको कोई चीज चाहिए तो कोई दूसरे के अंदर इतनी इंटेंशन थोड़ी क्रिएट हो सकती है अल्लाह जितना मेरा है उतना ही आपका है जितना उस बाबा का है उतना ही आपका है आप ये क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा कौन सा ऐसा गुनाह हो गया आपकी जबान से जो अल्लाह आपकी नहीं सुनेगा अल्लाह हर गुनहगार की सुनता है अल्लाह हर नेकोकार की सुनता है भाई मैं यहाँ पे अच्छा एक बड़ी अजीब सी हम ये बात देखते हैं कि हम जो है ना वो हम ये समझते हैं कि डिसीजन इस पे जाऊंगा कि आपने के हम जाए जो फैसले होते हैं टोटली स्परिचुअल खुद काम नहीं करेंगे तो टॉपिक है उस पर बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं कि इस्तेखारे के गलत तरीक़े जो अब आम ने जो है वो बना लिए आप उस पर मेरे ख्याल अच्छा मैंने देखा है कि आम तौर पर ये केस भी आया कि जी रिश्ता पक्का हो गया सारी चीज़ें हो गई वसलान भाई और कार्ड वगैरह भी छप गए तो पता चला कि जी एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं तो उनसे एक दफ़ा अगर इस्तारा करवा लिया जाए तो ज़रा अच्छा हो जाएगा एक वसूक पैदा हो जाएगा और थोड़ी सी तमानियत जो है वो पैदा हो जाएगी दिल के अंदर रिश्ता पक्का हो गया कार्ड बट चुके आ, लोगों को इनवाइट कर दिया जो है हॉल को जो है वो बुक कर लिया खाने का ऑर्डर दे दिया और मुफ्ती साहब ने जो है ना वो रात को इस्तारा किया सुबह उठ के व्हाट्सअप मैसेज कर दिया कि जी वो इस्तारा ठीक नहीं आया बिल्कुल नहीं आया अब वो मुफ्ती मुफ्ती साहब का जो फिर उसके बाद वो सवाल पूछते हैं क्या जी वो के खिलाफ हम जा सकते हैं कोई मसला तो नहीं होगा यानी कि अब तो सब हो चुका है भाई अब कैसे रिवर्स होता है अब रिवर्स है स... सारा मामला नहीं मामला ये जब, जब सारे फैसले कर ही लिए हैं जब खुद ही सब डिसीजन ले लिए हैं और फिर बाद में इस्तेखारे में ना आ गए तो इसका मतलब इस्तेखारे को प्रायोरिटी नहीं दी थी सबर नहीं किया था नहीं दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है ना कि आपको इस्तारा खुद भी करना चाहिए आप किसी मुफ्ती साहब के पास जा रहे हैं यानी आपका प्री प्लान सारी चीजें यानी आप टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं और आपने मुफ्ती साहब से और इस्ति आपने पूछा और उसके बाद उन्होंने कह दिया नहीं जी इस्तारा ठीक नहीं आया हालांकि वो खुद रात को सो के उठे उन्होंने देखा सुबह यार व्हाट्सअप आया हुआ इनको जवाब नहीं दिया उन्होंने टाइप करके भेज दिया हाँ जी आपका इस्तिखारा ठीक है और सॉरी गलत है तो ये भी, अच्छा, भी जो है वो मैं, हैं। मुझे मैं आपसे चले एक सवाल पूछता हूँ इसमें मैं चाहता हूँ आप अपना इनपुट दें इतनी माशाल्लाह से जबरदस्त बात हो रही है कर लिया सब कुछ कर लिया सारे पूरे कर लिए शादी भी हो गई गाड़ी ले ली या कोई डिसीजन ले लिया सब कुछ ले लिया हम हो ना अब अगर कुछ बुरा हो जाता है से आगे अब मुझे बताया अब अगर कुछ बुरा हो जाता है फिर क्या हो इस्ती कर लिया सब कुछ किया अभी आपने एक बात बोली कि इस्तारे में आ गया या ना नहीं आया ये कौन आके बताता है ये WhatsApp पे मैसेज आता है यही मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ शरीयत ने ये कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं कि इस्तारे में आएगा तो सफ़ेद रंग की पड़ियाँ तुम्हारे ख्वाबों के अंदर आना शुरू हो जाएंगी या सफ़ेद रंग का कोई दरख्त आ जाएगा एक तो बचपन में हॉलीवुड और जो है ना कार्टून बहुत देख लिए हैं कि फरिश्ता जो है वो सफेद कपड़े वाला होता है लट्ठे का कपड़ा गुनामत का लटक रहा होता है तीन गज का हर तरफ से और वो फरिश्ता बन गया ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि आप जो है रात को सोएंगे और इस्तखारा करके सोने का कोई वो नहीं है कि इस्तखारा करके आप सोएंगे तो रात में जरूर बस जरूर कोई आएगा जो आपने रात में आखिरी मूवी देखी हुई होगी ना वही आएगी ये इसखार ये जो कहना कि इस्तारा करूंगा तो मेरे इस्तारे के अंदर फरिश्ता आएगा या वो आएगा भाई अल्लाह ताला हो सकता है कि ख्वाब क्राइटेरिया नहीं है हो सकता है ख्वाब आ जाए हो सकता है कल आप ख्वाब का इंतजार कर रहे हैं सामने वाला ही मना कर दे आप आपको पसंद नहीं है ठीक है नहीं 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 आप, आप हमें पसंद नहीं है। आप तो चीज, आपको पसंद आ रहे चीज, रहे है, आप हमें पसंद है है तो तो आपको आ रही चीज कहना है कि आप ही इंतजार कर ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाले को इश्तखारा कर रहा है ना बिल्कुल अगर आपने रिश्ता भेजा है कहीं पे आप उनके बारे में आप इश्तारा करेंगे तो वो भी तो इश्खारा करेंगे बिल्कुल ऐसी अगर दोनों को ही फरिश्ता आ जाए <laughs> अच्छा या देखे एक देखे। को फरिश्ता आ जाए दूसरे को कोई ड्रोनी सा दरख्त आ जाए उसने रात को मूवी देखी थी तो बात यह है कि इस्तारा जो है ना वो खैर तरफ करना है और शर से बचना है इसके अंदर किसी ने मुझसे सवाल किया कि उस्ताद जी मैंने तो अपनी बेटी का इस्तारा किया था उसकी तो दो साल बाद तलाक हो गई सवाल है ना मैंने तो मैंने उस वक्त तो बोला मैंने कहा हो सकता है यही बेहतर दो तो साल बाद तलाक होना बेहतर हो और जिंदगी में ये होना क्लैमिटी है लेकिन हो सकता है बेहतर हुआ वही है जो बेहतर था अगर आपने ये कह दिया कि वो हुआ है जो बेहतर नहीं था और अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी गलत तरीके से लिख दी नाउजुबिल्ला आप अल्लाह के बारे में बदगुमान हो चुके हैं आज अगर एक बंदा राजी होना चाहता है ना कदर से अल्लाह अल्लाह से राजी होना चाहता है अल्लाह में तेरे रब होने पर राजी तेरे फैसलों पर राजी हूं तेरी तकदीर पर राजी हूं तेरी तकसीम पर राजी हूं या अल्लाह तेरी अता पे राजी हूं या अल्लाह जहां तुमने रोका है मैं उस पर राजी हूं तो इंसान ये जुमले अपने मुंह से निकाले और जब सुन रहे हैं लोग वो भी मुंह से जुमले निकाले कि आज मैं जहां पर खड़ा हूं उससे बेहतर मैं नहीं हो सकता बेश आज जिस ऑपरचुनिटी के ऊपर मैं खड़ा या जिस काम को मैंने इनिशिएट किया है इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकता था अभी तक अब आगे की मंजिलें देखें पीछे ना देखें जो गलती होनी थी हो गई वो भी आपकी तकदीर का पार्ट था तोबा तौबा करके अपने आप की गलतियां सीख के अब आगे बढ़ना सीखे आगे देखें यह कहना मैंने इस्तेखारा किया था और अब ये हो गया तो यही उसी में बेहतरी थी और अगर आप वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करना चाहते हैं कि भाई सब कुछ तबाह हो गया इसमें क्या बेहतरी थी शायद अल्लाह से करीब हो गए हो भाई ये तो कुरान कहता है ना आसान तक खैर तुम इसको नापसंद जान रहे हो गई कारोबार डूब गया जॉब नहीं मिली लेकिन वो हो सकता है है मैं एक हदीस इस पर इन जजा मा मिल बला कि अगर जो सबसे बड़ी जो जजा होती है वो सबसे बड़ी आजमाइश के साथ आती है भाई सिंपल सी बात ये अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा मकाम देना था जन्नत में बिल्कुल तुम्हारे अमाल उस लेवल के थे नहीं अल्लाह ने तुम्हें कहा इसको थोड़ी तकलीफ दे दो ऐसा मकाम दूंगा कि अगर सौ साल भी करता ना ये इस मकाम के काबिल नहीं हो सकता जिस मकाम पे मैं इसको चाहता हूँ आपने, नहीं, नहीं, वो, वो आपने शुरू में सुनाई थी मैं उसके ऊपर आता हूँ मैं ये अर्थ करना चाह रहा था कि हम जो ऊपर बात कर रहे थे कि इस्तारे को जो ना कुछ लोग अपने काम के लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर इनकार करना हो ना रिश्ता अगर पसंद नहीं आया तो कहा जाता है कि वो जो है ना वो ठीक नहीं आया हालांकि अच्छा, वो इनकार अच्छा, करना मकसूल होता ये तो है ये तो मेरी के से ज्यादा होता है आपके आप सेम के अच्छा, दिल्ली वाले हैं हाँ। ये अच्छा हर जगह होता है यानी मुझे समझ नहीं आती भाई आप क्या रिश्ता आया लड़के का आपको नहीं समझ आ रहा आप मना कर दो इतनी माशाल्लाह से कौम कौम मैं क्या बोलूँ जबरदस्त कौम ये कहते हैं भाई सिंपल बोलते हैं यार हमें समझ नहीं आया असला भी कराते तो पे के जी एक हफ्ते से ऑर्डर दिया हुआ पे एक हफ्ते बाद दो हफ्ते गुजर गया जवाब नहीं आ रहा और जब फोन करो के जी आपने जवाब नहीं दिया लड़का इस्तेखारे के लिए भेजा हुआ है जिन मौलवी साहब का कोई लेना देना नहीं था के लिए आगे भेजा हुआ है वो उस वक्त जो लड़का होता है उसका दिल जा रहा है वो जो से इस्तारा जहाँ भेजा हुआ है ना उसी को उठा लू मैं लेकिन बहरहाल ये आखिर में ये कह जब आपको आपको उसकी दुनिया समझ नहीं आती या आपको उसका दीन समझ नहीं आता आपने ये क्यों बोला यार इस्तिखारे में नहीं आया आप बोले यार मुझे समझ नहीं आया भाई अल्लाह ताला बेहतर करे अल्लाह ताला मेरी बेटी के लिए बेहतर करे आपके के बेटे के लिए भी बेहतर करे लेकिन ये कहना इस्तिखारे में नहीं आया तो लड़का समझता है लड़की समझती है अरे अल्लाह पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या मसला है कि अल्लाह ताला ने इस्तिखारा ही रोक लिया ऐसा मौलवी से मुतनफर होना शुरू हो जाते हैं

तुम्हारे अल्लाह तारा मामला ठीक कर देगा लेकिन मामला तो में हर जगह जब पंचर लगे हुए तो कैसे मामला ठीक होगा कि आपने ये हुआ अब यही जब जुमला होगा ना अल्लाह जब क्लाइंट बोलते आपने बड़ी जगह पे जो है ना आपने टेंडर डाला टेंडर आपने उसमें अपना आपने भी हिस्सा डाला है कि भाई टेंडर खुल जाए इतना बड़ा सोचे अगर टेंडर के रिजल्ट में आ जाए ना आपके इस्तेखारे में नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे उसको जिस लेवल की आपकी जबान होगी उसके अंदर बात बड़ी खराब है कि आपके आपके मन को एक चीज कोई बात नहीं आपके मन को चीज समझ नहीं आ रही लेकिन यह कहना कि इस्तखारे में नहीं आ रहा यानी अल्लाह ताला के ऊपर है तरह अल्लाह के ऊपर इस्तखारा अल्लाह की तरफ अल्ला से ग्राउंड वर्क आपने नहीं किया मेहनत आपने नहीं करी सारे को आपने मेहनत अगर की भी है आपको नहीं समझ आ रहा मना कर लेकिन यह कहना इस्तारे में नहीं आया वह बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है वो किया लोग मना करने के लिए आज हम एक सवाल लेते हैं। करके सोना जो है वो जरूरी है नहीं इस पर हम मेरे ख्याल से बता चुके हैं इसति आप दिन में भी कर सकते हैं फजर के बाद भी कर सकते हैं आठ बजे नौ बजे दस बजे जब चाहे इस्तारा कर लें इसके लिए कोई वक्त मुन नहीं है वक्त नींद वैसी नींद नहीं आती इन चक्रों के अंदर <laughs> अब अगर हम शर्त लगा दे के लिए सोना जरूरी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अच्छा मैं समझता हूं कि यहां पर हमें यह भी क्ले, करना बहुत जरूरी है कि खुलासा ये कलाम यह है कंक्लूजन यह है कि इस्तेखारा खुद करना चाहिए ना कि किसी से करवाना चाहिए या निकलवाना चाहिए अच्छा जब हम गौर करते हैं अधिल भाई हमने मैंने दरस निज़ामी नौ साल अल्हमद मुकम्मल पढ़ा तो जितनी भी हदीस की किताबें हमने वहां पर पढ़ी तो उसके अंदर कोई ऐसी हदीस कोई ऐसा वाकया नहीं सुना कि किसी सहाबी रसूल ने नबी सलाम के पास जाकर कहा हो कि अल्लाह के रसूल इस काम इस काम के अंदर मेरा कोई इतखारा निकाल दें मैं आपसे इस्ते करवाना चाहता हूँ बल्कि नहीं सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल हमें सिखारा इस्तारा करना सिखाया करते थे कुरान बिल्कुल नबी ने अपने सहाबा को खुद चीज सिखाई और उन्होंने खुद किया मत तो ये बात साबित होती है कि भाई आप खुद करें ना अल्लाह ताली मैंने वही बात करी ना अल्लाह ताला आपकी भी उतनी सुनता है जितनी अगर एक नेक इंसान की सुन रहा है अगर आपको कोई नेक इंसान लग रहा है तो वो अल्लाह उसकी भी सुन रहा है इसका मतलब ये नहीं अल्लाह आपकी नहीं सुन रहा भाई गुना उसके भी है गुना आपके भी है अल्लाह ने करे ऐसा कौन सा गुना है दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा गुना है अल्लाह ताला ने शैतान ने अल्लाह से कहा इबलीस ने अल्लाह से कहा अल्लाह से तकबर करने पर उसने कहा रब्बी फंजरनी को भी पता था कि अल्लाह को रब कह के पुकारूंगा तो अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेगा यानी कि अलैहिस्सलाम ने क्या कहा रबना जुलमना आदम अलैहिस्सलाम ने रब कह के पुकारा इबलीस ने रब कह के पुकारा रबी फिर बसु अल्लाह तो मुझे मोहलत दे दे यानी कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली कि दे दी उसको मोहलत जो कर सकता है कर ले मेरे बंदे के साथ तो मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा गुनहगार है दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो अपने रब से मांगते हुए शर्माए अपने रब से खैर मांगते हुए शर्माए अपने रब से ऐसे मामला फैसला कर रहा है ज़ाहिर सी बात है जो आपने कहा कि व्लाम व तुम ला तम अल्लाह ने ये कह दिया ये बात साबित कर दी कि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते तो ये सारे मामला आपको अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ेंगे आपको ये इस्तारा करना पड़ेगा अल्लाह से खुद दुआ मांगनी पड़ेगी अच्छा अदिल भाई मैं जब ये कोई YouTube के ऊपर कोई वीडियो वगैरह देखता हूँ ना तो मैं अंदर से मेरा दिल इतना मोम हो जाता है मैं इतना मखमूम हो जाता हूँ कि ऐसी ऐसी शख्सियात के बड़े जुब्बे और कुब्बे के अंदर और हाथ के अंदर तस्वीर सर के ऊपर पगड़ी सजाई हुई और बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई पारसा इनसे बड़ा कोई मुतकी नहीं होगा इनसे बड़ा कोई अल्लाह का गली और अल्लाह से डरने वाला नहीं होगा और मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं अच्छा मामला क्या है उनसे सवाल पूछा जाता है कि जी इस्तिखारा करने का तरीक़ा क्या है अब वो इस्तिखारा करने का तरीक़ा बताते हैं और करते क्या हैं अपने हाथ के अंदर तस्वीर लेते हैं और तस्वीर लेने के बाद वो सिखाते हैं बाकायदा कि जी इसके ऊपर आपने पढ़ना है अल्लाह इसके ऊपर पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पढ़ना है ला इल्लल्लाह फिर इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और ला इल्लल्लाह पूरी तस्वी को इसी तरीके से घुमाना है और ये जो आखिरी तस्वीर का दाना है अगर ये अल्लाह के ऊपर ख़त्म होता है तो आपका जो काम है वो आधा मुकम्मल होगा अगर ये आखिरी दाना अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर ख़त्म होता है तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा और अगर ये आपकी तस्वीर का आखिरी दाना ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ख़त्म होता है तो इसका मतलब यह है कि भाई जिस काम के लिए आप इति कर रहे हैं वो आपका काम नहीं होगा यार व्हाट इज दैट

का रास्ता मैं दे रहा हूँ जो हिदायत मैं दे रहा हूँ जो तालीमत मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर तुमने फॉलो करना और और है अल्लाह की मोहब्बत अगर चाहिए तो इस्ते करना पड़ेगा अल्लाह की रहमत व बरकत ऐसी ही आएगी जो नबी अक्रम सल्हलम ने बनाया माशा मुशाइ ने जो है आज बड़ी तफस के साथ जो है मामले को माशा से और आ, कोई सवाल है उस्ताद जैफर सवाल बहुत आ रहे हैं सवालत ये हैं इसतारे की दुआ याद नहीं है क्या बुक से देख के पढ़ सकते हैं जी बिल्कुल बुक से देख बुक के दे, बुक से पढ़ सकते हैं बुक से देख के पढ़ सकते हैं तर्जुमा भी उसका साथ पढ़ लें ताकि आपकी दुआ के अंदर तासीर पैदा हो दूसरा ये कि इस्तखारा में में काम का नाम कैसे लिया जाए एग्जाम्पल वाज कर दें अगर आपने देखें आपने हाजा बोल दिया अरबी के अंदर है दिस अब मैटर आपके माइंड में है वो नियत होनी चाहिए उस काम की अगर वो नीयत है आपके माइंड में तो उस नाम लेने की ज्यादा जरूरत उस पॉइंट आउट कर दिया चीज को बस आपकी नीत होनी चाहिए के लिए यार आप जिससे कर रहे उसको पता है कि आप किस काम के लिए इस्ते कर रहे हैं सही बात नहीं असल में वो मसला यह जब किसी कोई और कर रहा होगा उसको पता ही नहीं मैं इस्ते किस चीज का करना तो उसके नाम लेगा लेकिन जिसके सर पे बल्ली आई है बेचारे शादी का, किसी और का। <laughs> <laughs> करना था तो वो कारोबार का कर दिया पर आ गया कि जी इस्तेहारा सही नहीं आया बेचारा फंस गया वो वो इंतजार में था अच्छा यार जो है वो और कि कितने दिन तक करते रहे देखें आप एक दिन करें दो दिन करें ये इस्तारा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अल्लाह से मशवरा कर रहे हैं आप अल्लाह से जितने दिन दिन चाहें आप मशवरा करें आप सात दिन तक इस्तारा कर लें इंशाल्लाह भाई इस्तारा करें एक दफ़ा भी कर लें मैं जो इस पर कहता हूँ मैं आपसे इष्तराब कर सकता हूँ मसले की बात कर सकते हैं एक दफ़ा भी इस्तारा कर लें आप और आप काम करने जाए अगर वो बेहतर नहीं होगा ना खुद ही कैंसिल हो जाए बिल्कुल मैं आपको मिसाल देता हूँ बैक इन टू थाउजेंड फोटीन यस yes. 2014 में मैं हज करने जा रहा अकेले अब मुझे किसी ने कहा आप हज करने जा रहे हैं अकेले और मैं उसकी एज मेरी छोटी थी मैं जवान मैंने कहा मैं अकेले जाऊँगा हज करने चालीस दिन बैतूल में उस करके फूल उन्होंने तो कहा आपने इस्तारा किया ना तो मैंने कहा यार अजीब आदमी अब छोटा था उस एज में मैंने बोला यार हज करने जा रहा हूँ कोई गुनाह करने तो ना जा रहा हूँ आप बोल रहे हैं कि हज करने के लिए इस्तारा करो भाई हज एक खुद बिनफसी खुद जो है वो खैर है आप मुझे कह रहे हैं कि इस्तारा इस्तारा करो कि अगर हज मेरे लिए बेहतर ना हो तो मैं ना करूं और बेहतर हो तो मैं करूं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने फिर भी ना चाहते हुए इस्तारा मैंने कर लिया कहने एट सेप्टेम्बर को मेरी फ्लाइट थी और फोर्थ सेप्टेम्बर को मुझे डेंगी हो गया था यानी जो है मैं अगर मैं अकेले वहां चले जाता और अगर मैं बीमार पड़ जाता इस, इस बीमारी के अंदर मेरा क्या होता और उन्हीं दिनों जो है मेरे नाना का इंतकाल भी हुआ था मैं उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हो पाता तो मुझे इतनी खैर देखी मैंने और मामला भी देखे कि अगर मैं चले जाता तो मैं किस किस चीज़ से महरूम हाँ मैं हद से महरूम हो गया लेकिन अल्लाह खैर हर मामले में रखी होती है तो आप वो मामला आप इस्तारा करें एक दफ़ा भी खैर अगर होगी और अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होगा और चाहा होगा वो काम होगा वरना आप जितनी दफ़ा भी इस्तिखारा कर लो जितना भी चाहे नहीं होगा ना वो मामला वैसे ही दूर हो जाएगा अल्लाह ताला आपको वैसे बाहर निकालेगा उससे कि आपको उससे दूर कर देगा उसको आपसे दूर कर देगा तो ये दिनों की कैद लगाने की कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है हाँ आप एक दिन में तीन चार दफा कर लें लेकिन काम को इनिशिएट करें लटकाए ना हमारी कॉम का जो मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ उसके अंदर भी मैं कहता हूँ कि ये जो चौरंगी पे खड़े होके राउंड अबाउट पे खड़े होके तीन रस्तों को देखना और इनिशिएटिव नहीं लेना और ये कर लू वो कर लू और दुआएं पड़ जा रहा हूं भाई ये तीन रस्ते तो मैं बिल्कुल ना घुमा देंगे माइंड को कि एक मिनट के लिए तुम यहां जा रहे हो फिर वहां जा रहे हो फिर वहां जा रहे हो कट द क्रैप दो रस्तों को आप काटें और एक रस्ते पर आप चलना स्टार्ट करें टेक इनिशिएटिव इन लाइफ और इनिशिएटिव लेते हुए जो घबराहट हो रही है वो इस्तेखारे पे डाल के अल्लाह ताला के नाम करें अमरी तेमी

वो आप अल्लाह ताला से छीन नहीं सकते जा ये अपने पल्लू से बांधने बातों को और बात ही खत्म टेंशन ही ख़त्म है फिर यानी ये जो इतनी जो स्ट्रेस और इतनी एंगजाइटी है कि मेरे बच्चों का क्या होगा इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा अगर आपने ये हल नहीं कर अगर आपने इस्तारे पर नहीं आ और आपने मसमून दुआओं के साथ इस्तखारा नहीं करना तो मैं ये बताता हूँ आज, आज आपको हम ख़त्म नहीं कर रहे पॉडकास्ट अभी हम एक नया पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं कि वॉट इफ नॉट इस्तारा अगर आप इस्तारा ना करें तो क्या होगा तो आपके पास क्या हल तो आपके पास पहला हल है कि भाई आपके पास एक बंदा आएगा बोलेगा अरसलान साहब मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं आपको पता है सामने वाला जो शख्स है दुकान वाला उसके बेटे को अगवा कर लिया और तीन करोड़ रुपये भत्ता मांगा उससे और को पता है आपको फलां जो गली में रहता है उसके गोदाम में आग लग गई बेचारे का चार करोड़ रुपए के एक दिन में नुकसान हो गया और आपको पता है फलां का वो तो बीमारी इतनी मुलहक थी उसका तो ट्रांसप्लांट इतना महंगा था उसका हमने सात करोड़ रुपए एक साल खर्चा उठाया हमने क्यों उठाया आपको पता है उसने इंश्योरेंस कराई हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है फलां शख्स का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने पर अब उसने तो कोई प्लानिंग खास की नहीं थी अब आपको पता है एक जवान आदमी का इंतकाल हो जाए और पीछे चार पांच पुरुष हों उनकी कौन देखभाल करता है भाई लोग चाहे अपने खूनी रिश्तेदारी क्यों ना हो वो कब तक बर्दाश्त करेंगे खर्चा तो वो शख्स के इंतकाल हुआ आपको पता है इतना वो उसने उसकी पता नहीं उसकी थर्ड थर्ड आई ने या सिक्स सेंस ने उसको गाइड किया था उसने लाइफ इंश्योरेंस इतने प्रीमियम वाली ले ली थी कि अगर मैं चालीस साल की उम्र में मर गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इतने करोड़ रुपये मेरे बच्चों को देगी उसने साइन कर दी थी क्या चाहता है महीने का महीने का अगर बीस हजार रुपये चले जाए साल का अगर जो है वो दो लाख ढाई लाख रूपये चले जाए अब अर भाई के दिल में आएगा हाँ यार बात तो ठीक है गोदाम तो मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे तो मेरे भी हैं बीवी तो मेरी भी है इसी तरह यार गाड़ी तो मेरी भी है अगर बताए गाड़ी का शीशा निकल जाए तो आजकल सेविक का शीशा जो है नो तीस हजार रुपए का है भाई चालीस हजार रुपए का है अच्छा करोला का कितना है वैसे अभी मैं करोला वाला हूँ वो सस्ता है वो इंश्योरेंस निक्रोला वाले नहीं कराते अक्सर वो इन चक, वो स्तकारे वाले हैं सर जो अब अब जो अगर ये अगर चोरी हो जाए ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा है ये अक्सर जितने भी गाड़ियां भगा रहे होते हैं ना बच्चे इनकी गाड़ी छोड़ होती क्योंकि इनके वालदे ने एक महंगा वाला स्तकारा किया होता है दुनिया में जो इनसे पैसे ले रहे है। अब ये इंश्योरेंस बोले इसको आप या कुछ और नाम दे दें आप इस्लामी नाम दे दें वो मैं लूंगा नहीं अच्छा बहरहाल तो उसमें जो है वो होता यह है वो करते हैं कि वो पहले लेके आते हैं खौफ कि ये हो सकता ये है।, है।, है अच्छी तरह आपको ना आपके माइंड में खौफ लेके आते और अगर हो गया तो क्या होगा तो कहते हैं अगर आप इन सब से खौफ से निजात पाना चाहते हैं तो आप महाना मुझे पे करें आपकी गाड़ी लगे ना लगे पैसे मेरे लग गई गाड़ी खर्चा ज्यादा हो गया तो मैं कर दूंगा ना आप बीमार हो गए आप मर गए सारी बुरी खबरें मतलब मौत बन के आता है वो बिल्कुल आप मर सकते हैं आप आपको ये हो सकता है आपका गोदाम जल सकता है गाड़ी छिन सकती है गाड़ी आपकी खराब हो सकती है थ, लग सकती है नहीं, कराची आप खास क्यों कर रहे हैं बात तो सही है लेकिन बात तो सही है लेकिन बेटा प्रीमियम भी कराची का ज्यादा है आपको पता है जहां के हालात ज्यादा खराब होंगे वहां का प्रीमियम भी ज्यादा होगा इंश्योरेंस बिल्कुल क्योंकि वो महंगा खौफ है ना खौफ रियलाइज ज्यादा हो रहा है जितने आप बूढ़े होते जाएंगे उतना प्रीमियम ज़्यादा होता जाएगा आपका पता है आपको तो अब कोविड के अंदर तो कौन कौन कब चला जाए इंश्योरेंस कंपनी और द्वालिया निकल जाएगा तो अब यहाँ पे लोगों के पास हल ये है कि आप ये काम करें आप इंश्योरेंस करा दें यानी आप अपना खौफ मुझे बेच दें और मैं आपको बोलूंगा मेरा नाम है जुबली मैं आपको बोलूंगा कि कोई टेंशन वाला आपको कुछ नहीं होगा आपको कोई मसले की बात नहीं आपको आप मेरा मेरा यू यू नाम है सॉरी नहीं मेरा जो भी है तो मैं आपको कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा आपको आप रिलैक्स रहे मैं संभाल लूंगा यानी आप सुबह शाम करते रहे उफव उफव विदु विदु अमरी अमरी इला दिस कंपनी इला नहीं अब लोग बोले सबब इख्तियार करना ओ तो भाई कौन सी बे हो रही है कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है मैं आपको किस चीज के लिए मंथली पे, पेमेंट कर रहा हूं कि जबकि मेरी गाड़ी मुझे आपको भी नहीं पता लगेगी और मुझे भी नहीं पता लगेगी और फिर पाकिस्तानी तो यार पाकिस्तानी है जान के गाड़ी पर लाते मार्केट खराब करते हैं दरवाजे क्यों एक दरवाजा पेंट होना होता है कहते हैं दूसरा भी हो जाए चलो ए एक लाइट खराब हो रही है थोड़ी सी येलो हो रही है दूसरी तोड़ दो ताकि दोनों बदले तो हमसे तो नहीं जी सकता वी आर पाकिस्तानी ठीक है वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल तो यहाँ पर जो है वो दुनिया आपको ये हल देती है इसतारा छोड़ के आ जाओ भाई हमारे पास हल मौजूद है या फिर वो गाड़ी में कपड़े बांध देना जूतियाँ लटका देना वो इस्तारा जब इस्तारा ये इसलिए हमने लिंक किए हैं टॉपिक के सारे पॉडकास्ट के कि जब माइनस अल्लाह लाइफ गुजारोगे जब अल्लाह को माइनस करके लाइफ गुजारोगे तो गाड़ी बचाने के लिए इंश्योरेंस वाले को भी पैसे दोगे और जूतियाँ भी लटकाओ क्योंकि अल्लाह से खैर नहीं मांगी ना और अगर आपने खैर अल्लाह से मांगी है तो यार कमॉन बी अ मैन गाड़ी खरीदते हुए इस्तारा करो गाड़ी चलाते हुए दुआ करो और तमीज़ से गाड़ी चलाओ अपनी समझ के और अपना मुल्क समझ के और दूसरों का ख्याल करते हुए जो होगा वो बेहतर होगा अगर एक्सीडेंट हो गया अल्लाह ना करे दुआ पढ़ने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है अल्लाह अल्लाह तारने बेहतर अल्लाह कुछ सिखाना होगा इसके अंदर आप किसी बड़े से बचाना हो होगा तो स्परिचुअल लाइफ लेकिन अगर लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ना हो तो आदमी इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है और अपना बैंक बैलेंस जो है वो कम करते रहता है तो याद रखिएगा अल्लाह ताला को अगर कोई माइनस करके आपको कोई हल पेश कर रहा है तो वहां पे आप बेवकूफ़ बन वहां पे आप अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं और उल्टा पैसे दे रहे हैं अल्लाह ताला से दूर होने के कि मैं अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी से निकालता हूँ नफ़े नुकसान से निकालता हूँ और मैं तुम्हें माना पैसे भी दूंगा बस तुम ये बता दो नुकसान होकर तुम संभाल लोगे यार जितना आप पैसे खर्च करके दूसरे पे एतमाद कर रहे हैं आप ये दुआ पढ़ के अल्लाह ताला पे अहतमाद करना तो सीखें आप अल्लाह ताला पे छोड़ना तो सीखें चीज़ों ये सबसे बड़ी एक्टिविटी और एक्सरसाइज होनी चाहिए आज के पॉडकास्ट के बाद यार मैंने अपनी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा अल्लाह पर छोड़ दिया और अल्लाह पर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रैटीज माइनस कर दूँ कारोबार सबसे बेहतर जगह पे बेहतर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन और सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के साथ हो बिल्कुल एक्जैक्टली exactly, ऐसे ही है स्ट्राटेजीज पहले हैं ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट पोस्ट्राटीज पोस्ट पोस्ट्राटीज एवेल्यूएशन कंफ्यूजनस एवेलुएट करने के बाद जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है एंग्जाइटी आ रही ये नहीं कि दरवाजे पे ऊंट बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो बिल्कुल लेकिन ऊंट बांधने के बाद आदमी सोचे ऊंट तो बांध दिया अगर ऊँट ने रस्सी तोड़ दी तो अगर किसी और ने रस्सी काट दी तो अगर किसी ये तो आएंगे ना घर पे तारा लगा दे अगर कोई कूद गया तो अगर गार्ड सो गया तो अगर गार्ड की बंदूक नहीं चली तो अगर वो पांच आ गए और गार्ड दो है तो अगर वो इस दरवाजे से दाखिल हो गए तो अगर वो ऊपर से आ जाए तो अगर वो शायद गेट में तार लगाते हुए पहले ही अंदर हो फिर इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो जब पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं आप अपनी स्ट्रेटजीज पूरी करें उसके बाद जो कमी कोताही रह जाए वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें और ज़िंदगी गुजारें इस तरीके से जब अल्लाह आपकी ज़रूरत हो अच्छा अदील भाई इसमें ज़िंदगी अगर सभी अल्लाह अल्लाह के अलावा किसी और को दे देना दे अल्लाह जरूरत ही नहीं है आपकी आप बोले अल्लाह मेरी ज़रूरत है क्योंकि मेरी जिंदगी के थ्री सिक्सटी डायमेंशन के थ्री सिक्सटी डिग्री डायमेंशन के इतने खौफ है स्ट्रेस है मुश्किल है फला गली का गुंडा फला बदमाश फला की धमकी फला का हसत फला का खौफ फला की फला की तकलीफ सब जोड़ दिए किसके साथ अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ, अल्ला के साथ. और मुझे पता है अल्लाह कभी सोता नहीं अल्लाह कभी भूलता नहीं है अल्लाह कभी बेवफाई नहीं बेवफाई नहीं करता ये इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में इतना फोकस किया है कि अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हो ना तो जो मेरे लिए आग में कूदा मैंने आग ठंडी की जिस जो मेरे लिए समंदर पे गुजरना चाहा मैंने उसके लिए समंदर पड़ा जिसने तूफानों जितनी जिसने पहाड़ों जितनी मौज के अंदर अपनी कश्ती चलानी चाहिए मैंने उसको जूदी पहाड़ पर जो है वो किया जिसने अल... मछली से निकलना चाहा जिसने मछली से निकलना चाहा जिसने मछली में मुसल्ला बनाया हमने उसको मछली से निकाल अल्लाह कह रहे मेरा ट्रैक है और तुम कहते हो कि स्ट्रीट नंबर के अंदर एक छोटे से घर के अंदर एक छोटा सा आदमी अल्लाह पर छोड़ के आज सोया है और अल्लाह उसको छोड़ देगा अल्लाह इंसान के गुमान के मुताबिक है और अल्लाह बहुत लाज रखता है और यकीन माने अगर एक इंसान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो लोग हैं सलामान भाई की मुझसे कोई उम्मीद है कि यार मैं उनके साथ ये करूँगा और कल को अगर मैं ना करूँ और मेरे पास दल जन की उम्मीद थी तो मुझे इतना मैं इतना हर्ट हूँ बोलूँगा यार उसने मुझसे एक उम्मीद लगाई हुई थी मुझे कर देना चाहिए था वो वो तो अल्लाह है वो तो अल्लाह है तो दलील क्या है इमाम मुजाहिद जिक्र करते हैं वदाम मालम यकून एख्त सिबून के अंदर कहते हैं एक शख्स के बारे में अल्लाह ताला कह देगा उसको जन्नम में डाल दो फरिश्ते उसको जहनम तक लेके जा रहे जाते जाते वो ऐसे कल में निकाल देगा अल्लाह बोले का तो बोलेगा का, माँ काना माँ कहना हादनी मेरा गुमान ये नहीं था जो मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है मेरा गुमान ये नहीं था अल्लाह बोले क्या बोल रहा है गुमान क्या गुमान था तुम माँ कहना तन्नू का कहता है मेरा गुमान ये था कि अल्लाह तू मुझे माफ कर सुबह जाओ इसके गुमान के मुताबिक उसको जन्म अनाब दी भी मैं तेरे गुमान के मुताबिक एक बंदा अल्लाह पे छोड़ कर जिंदगी गुजार रहा अल्लाह मैंने सब कुछ कर लिया मेरे पास यही था अल्लाह मेरे पास आसा था मैंने समंदर में मार दिया अल्लाह कह रहे बारह रास्ते मैं बनाऊ अल्लाह मेरे पास टाइम था मैंने कश्ती बना अल्लाह भी क्या कुदरत है एक जगह पे पानी से गुजारना है अल्लाह बोल रहा है कश्ती बनाओ ये टाइम बहुत क्योंकि नौ सौ साल सलाम दावत दे रहे टाइम बहुत है तो अल्लाह ताला ने कहा क्योंकि आगे तूफान आने वाला है तो तुमने गुजरने के लिए क्या करना है कश्ती बनानी है अल्लाह ने कहा अपने वसाइल जितने हैं सारे एग्जॉस्ट करो स्ट्राटेजी कश्ती अच्छी होनी चाहिए और तूने उसके बाद जिंदा रहना है तो एक काम करो सारे जानवरों में से एक एक पैर ले लेना क्योंकि आगे ऐसा ना हो कि खाने पीने के लिए कुछ ना हो खत्म हो जाए अल्लाह अल्लाह ताला ताला इतना इतना ताला है का भी ख्याल के। के तो ताकत उसके बाद जब मूसा को पानी से गुजरना था अल्लाह ने कहा क्या है मूसा तेरे पास कश्ती बनाने का तो टाइम नहीं है क्योंकि पीछे कौन है कहा बनी इसराइल ने मूसा सलाम लेके जा रहे है, बनी सही करिए चलो 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 ग़ुलाम कौम थी जब सामने समंदर देखा तो बोला वल पारू अमाम वल फ्राउन वल्फा ना सामने समंदर है पीछे फिराउन आई न तद हब बिना मूसा मूसा आज तो मरवा दिया आप कहाँ जाएंगे मूसा सलाम ने कहा चल इन्ना रब्बी इन्ना माया रब्बी सहदी मेरा रब मेरे साथ है मुझे जरूर हिदायत देगा अल्लाह ने मूसा क्या है तुम्हारे पास कश्ती बना सकते हो नहीं भाई कश्ती बनाने का टाइम ही नहीं क्या है अल्लाह एक असा है असा लग रहा है मार दे वही वही असा समंदर में मारा तो अल्लाह ताला की कुदरत क्या है मूसा सलाम को अल्लाह दिखाया कि जब मुझ पर छोड़ोगे तो वही असा जब पत्थर पर मारोगे तो पानी के चश्मे फूट जाएंगे वाई दस्तौ मूसा रब्बा हो हाँ ज्यादा और जब तुम वही असा पानी पे मारोगे तो वो पत्थर बन के रास्ता बन जाएगा ये होती हैं बरक़ात अल्लाह ताला पे अपनी ज़िंदगी छोड़ने की मैं चाहता हूँ कि उस्ताद उस्तादलान और उस्ताद सुबैब आखिरी जुमले जो है वो अवाम के लिए रहनुमाई करें उसके बाद हम जो है वो आवाम से इजाज़त चाहेंगे जी क्या कहते हैं इसतखारे के बारे में आखिरी तवक्कुल के ऊपर बार बात हो रही थी तो मैं तवक्कुल के ऊपर एक जुमला कहूँगा ये तवक्कुल और ईमान भरोसा इसको अगर एक जुमले में समझाया जाए कि सब कुछ एक अल्लाह से होने का यकीन सब कुछ एक अल्लाह से होने का यकीन और गैर अल्लाह से यानी अल्लाह के अलावा जो भी है गैर अल्लाह से कुछ भी ना होने का यकीन इसको ईमान और भरोसा कहा जाता है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब बंदा अपने उस से मशवरा कर लेता है किसी काम के बारे में अपने मैंटोर्स के सामने अपने उस मामले को रख लेता है और उनका मशवरा हासिल कर लेता है जैसे कि कुरान में आता है वशाविर होमफिल अम्र मशवरा तलब करो अपने बड़ों से अपने बुज़ुर्गों से जिन्होंने उस फील्ड के अंदर वक्त गुजारा है अपना वक्त लगाया है टाइम लगाया है उनसे मशवरा कर लेता है फिर उसके बाद इंसान अपने रब के आगे इस्तिखारा रखता है दुआ पेश करता है खैर तलब करता है फिर उसके बाद कहता है वो उफ़विदु अम्री इल्लल्लाह या अल्लाह मेरा सारा मामला जो है वो तेरी तरफ है तू जैसे चाहेगा मेरी ज़िंदगी के अंदर वही होगा बहरहाल इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म के इंशाल्लाह हमारे उस्ताद अदील साहब इंशाल्लाह आगे भी पॉडकास्ट का अहतमाम करेंगे और इस्तिखार नए लोग भी आए मेरे खास रिकॉर्डिंग के अंदर वो सुन लेंगे तो अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल सारी चीज़ें जो है ने बहुत मशकूर हूँ आपका आपने जो है वक्त निकाला और आवा के लिए रहनमई की कुबैब आपने भी माशाल्लाह से भरपूर अंदाज के अंदर हमेशा की तरह जो है वो रन के साथ आपने जो है कंटेंट पे अलहमदिल्ला ग्रिप अपनी दिखाई और आवाम के लिए जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आसानी करे और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे अल्लाह तब से कबूल करे आज के लिए यहीं रखते हैं अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें अपने साथ ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ीकदा फ़रमाए हमारी ज़िंदगी ऐसी ना हो जिसमें अल्लाह ना हो इसमें अल्लाह की याद ना हो अल्लाह हमारी ज़रूरत ना, ना हो हम अल्लाह के मोहताज ना हो हम अल्लाह को माइनस करके कभी ज़िंदगी ना गुजारें अगर आप ज़िंदगी के खौफ को एज़ाइटीज़ को स्ट्रेस को रियलाइज़ करेंगे तो यकीन माने ज़िंदगी बहुत मुश्किल है लेकिन अगर अल्लाह आपकी ज़िंदगी में हो अगर अल्लाह की याद आपकी ज़िंदगी में हो अगर अल्लाह के इल्म से आपने इल्म मांगा हो अल्लाह की खैर से आपने खैर मांगी हो अल्लाह की कुदरत से आपने कुदरत मांगी हो तो यकीन माने जिंदगी खूबसूरत भी है और आसान भी है आज यहीं तक रखते हैं बाखर दावाना रबालमीन अल्लाम आलकम वरमी वबरकू